हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। पिछले साल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत से इंटरव्यू लेके आया था मैं मोर टॉक्स में, कारगिल की लड़ाई को लेके, जिसमें जीओसी से लेके जो है मैं लोअर लेवल तक के ऑफिसर्स के मैंने इंटरव्यू किए थे इस लड़ाई में, और कई नए आयाम इस लड़ाई के मैंने आपको दिए हैं। देखो, 1999 ज़्यादा दिन हुए नहीं है, ये 24वां साल है कारगिल की लड़ाई को, सरप्राइज टू विक्ट्री इस लड़ाई को कहते हैं। इन हाइट्स पे दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी, दुनिया में किसी भी फौज ने इन ऐसी जगह पर जाकर जंग नहीं जीती है, ये हम सबको पता है। बट किस हालात में लड़ाई हुई और कैसे लड़ाई शुरू हुई, पाकिस्तान की क्या मंशा थी, कैसे मुशर्रफ और उनके लोगों ने लड़ाई का प्लानिंग किया, और हमारा इनिशियल रिएक्शन कैसे था, और उसके बाद किस प्रकार से जो है जबरदस्त जवाब दिया इंडियन आर्मी ने और पूरे देश ने। ये देश की लड़ाई थी, मैं हमेशा कहता हूं। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और सामने फ्रंट पर लड़ने वाले यंग ऑफिसर्स और जवान सबने जो है अपनी अपनी पूरी हिम्मत दिखाई, और तब जाके देश ने लड़ाई जीती। मैंने खुद इस इलाके में नौकरी करी है, मैं जाके देख के आया हूं इन इलाकों को। लेकिन आज मैं जो ये इंटरव्यू आपको दे रहा हूं, ये इंटरव्यू मैंने बात की एक जर्नलिस्ट से। जी हाँ, विक्रमजीत सिंह, ये एक वॉर करस्पॉन्डेंट है, सही मायने में वॉर करस्पॉन्डेंट। इन्होंने पहले कश्मीर घाटी में इंडियन एक्सप्रेस के लिए रिपोर्ट कर रहे थे जब कारगिल की जंग शुरू हुई, तो इनके नजरिए से, और ये जो है यूनिट्स के साथ लड़ाई में भी गए, तो इनके नजरिए से मैं एक प्रकार से जो है लड़ाई का हाल आपको, आपके लिए लेके आया हूं। और हम जो है ब्रेवरी की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजिक लेवल की बात भी करेंगे, और हम इसमें जो है डाउन टू लोकल लोगों का क्या सपोर्ट था इस लड़ाई में, किस प्रकार से हमने लड़ाई जीती है, तो इस सब की बातचीत करेंगे। क्योंकि 24 साल हो गए हैं, अगले साल 25वीं सालगिरह आएगी कारगिल की, यंग जनरेशन को समझना चाहिए इस लड़ाई के बारे में, उन लोगों को जो कि लौट के घर नहीं आए उनको याद करना चाहिए, और जो वीर नारियां, जो वीरांगनाएं, जो माएं बहनें, जो बच्चे पीछे जिनके योद्धा जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, उनके बारे में भी हमें समझना चाहिए कि उनकी हमें कितनी इज्जत करनी चाहिए और किस प्रकार से देश को एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो मेरे लिए, मैं बहुत सीनियर मेजर था जब लड़ाई शुरू हुई, और पिछले 24 साल मैं कई बार वहां गया हूं कारगिल में। मैं द्रास वॉर मेमोरियल, कारगिल वॉर मेमोरियल या सियाचिन वॉर में, ये तीर्थ स्थान है मेरे लिए, और मैं हमेशा यंग जनरेशन को कहता जाओ देख के आओ। जब लद्दाख जाओ तो तोलोलिंग को भी देखो, टाइगर हिल को भी देखो, और इन जगह पे जाके अपने योद्धाओं को जो है नमन भी करो। सो फ्रेंड्स, आई ब्रिंग टू यू अमेजिंग इंटरव्यू। आप एक बार शुरू करेंगे तो आपको बंद नहीं कर पाएंगे इस पॉडकास्ट को। सो आई प्रेजेंट टू यू विक्रमजीत सिंह, वॉर करस्पॉन्डेंट, हु वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडियन एक्सप्रेस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। एंजॉय दिस टॉक एंड प्लीज गिव योर कॉमेंट्स इन दी कॉमेंट सेक्शन एंड फॉलो माई चैनल, क्योंकि माई सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू। जय हिंद। विक्रमजीत, वेलकम, व्हाट अ प्लेजर। बहुत दिनों से मैं आपके टच में था और मैं मौका ढूंढ रहा था कब आपसे बात करें, क्योंकि मुझे इतना पता है जब कारगिल की लड़ाई लगी हुई थी, मैंने आपके आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में पढ़े थे, और आप हमारे वतन के, हमारे देश के एक ऐसे वॉर करस्पॉन्डेंट हैं जिन्होंने कश्मीर में भी काम किया, घाटी में, वैली में, और उसके बाद कारगिल वॉर को आपने ऐसे प्रिंट जर्नलिस्ट कवर किया। और ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आगे बात करेंगे आपसे इस इंटरव्यू में, कि यू आर द ओनली जर्नलिस्ट हु वेंट बियॉन्ड 9,000 फीट, यू वेंट अप टू 15,000 एंड प्लेसेस। आपने कई यूनिट्स के साथ काम किया, काम किया मीन्स यू वेंट, यू वर इन फायर, एब्सोल्यूटली। सो विक्रमजीत, इट्स सच एन ऑनर टू स्पीक टू यू। कारगिल का महीना चल रहा है, 24 साल हो गए हैं, आपकी यादें जिससे कि ज्यादा धुंधली ना हो जाए, मैं चाहता हूँ कुछ आपसे जो है आज हम बात करें कारगिल वॉर के बारे में, एंड योर एक्सपीरियंस इन वैली एंड कारगिल, जैसा आपने देखा और अभी भी आप कवर कर रहे हो कारगिल को, तो अब कैसा लग रहा है 24 साल के बाद वो बातें दोबारा याद करके? थैंक यू वेरी मच जनरल मोर साहब, आपने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया है, आपने इनवाइट किया, एक ऑनर है मेरे लिए आपसे बात करने के लिए।
क्योंकि मैं आपके वीडियोस देखता हूँ वॉर के ऊपर, और उससे मैं सीखता हूँ। जैसे आपने कंसोन वांगचुक पर किया, तो जो डिटेल्स मुझे बुक में भी नहीं मिली वो आपके वीडियो से मिली। और आपकी जो स्टाइल ऑफ इंटरव्यूइंग है, क्योंकि आपने यू योर सेल्फ हैव सीन एक्शन, यू हैव कम अंडर फायर इन योर करियर मेनी टाइम्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्मी ऑफिसर। कुछ आर्मी ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने कभी एक गोली भी नहीं चली उनके ऊपर से। बहुत तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वॉर की, उससे हम सारे सीखते हैं। और जो मैं अपने पर्सनली कह सकता हूं कि आज भी मैं 24 साल के बाद मैं कारगिल युद्ध के बारे सीख रहा हूं, क्योंकि ये इतनी बड़ी, इसकी डायमेंशंस इतनी मल्टीपल हैं, इतनी गहराई हैं कि इसको मुझे लगता है जब मेरी मौत भी आएगी तो मैं इस बैटल के बारे मैं नहीं कह सकता कि मैं इसको सीख लिया। बहुत सीखने को है। और अगर हम अपना माइंड ओपन रखें और हर बंदे से बात करें, चाहे वो एक हमारा बहुत ही बहादुर फाइटिंग पोर्टर था लद्दाखी या कारगिल का, चाहे हम बात करें एक जो डोंकी लेके जाता था लद्दाखी फाइटिंग पोर्टर, हमारी मोटर शेल्स, हमारा फौजियों के लिए खाना 16-17 हजार फुट तक अंडर शेलिंग लेके जाता था, चाहे हम उससे बात करें, चाहे हम अपने सिपाही से बात करें राइफलमैन से, चाहे हम जो जर्नैल थे ब्रिगेड कमांडर थे, चाहे हमारे जो गनर थे आर्टिलरी के, क्या रोल गनर्स ने प्ले किया। मुझे याद एब्सोल्यूट है द्रास में हमारी इन्फेंट्री के जो वीर जवान थे, वो हमारी तोपों को आके सल्यूट करके उन सिर छूते थे अपने तोपों से, जैसे पैर छू रहे हैं वो तोपों के। और गनर्स को एब्सोल्यूट कहते थे कि सर आपने हमारी जान बचा ली, आपने हमारा असॉल्ट सक्सेसफुल करा दिया। तो मैं कहता हूं, मुझे इतनी प्राइड होती है इन लोगों में, और इतने ये हम्बल हैं। ये वॉर में भी हम्बल थे, वॉर के बाद भी ये हम्बल रहे हैं। और ये इतनी इनकी कहानियां हैं, इतनी सच्चाई हैं, जो मैं चाहता हूं कि मैं आगे दुनिया के आगे लेके आऊं। आज भी मैं कारगिल पर कहानियां लिख रहा हूं आज तक, के लोगों को पता चले। वो आरटीओपी जो था, जो इन्फेंट्री के भी आगे बैठा हुआ था और दुश्मन उसको लगातार शेलिंग करी थी, उनको पता कि आरटीओपी जब तक रहेगा हमारा बहुत खतरा है। तो उसकी कहानी, जो हमारे इन्फेंट्री के सोल्जर थे, जैसे एक हमारा सोल्जर था जिसकी बॉडी 2 साल के बाद मिली, उसकी वाइफ पर क्या गुजरी, वो मैं कहानी बताऊंगा आपको। हाँ, ये बात अनटोल्ड करेंगे दुर्गा स्टोरी। नारायण श्रेष्ठा की भी, 111 GR की, और बात करेंगे सौरभ कालिया की, बात करेंगे मनोज पांडे की, और ये जो आपने बात की पोर्टर्स की, बात करेंगे लोकल लोगों की, बात करेंगे क्योंकि आपने जो देखा ना लड़ाई को, आपने हर आर्म और सर्विस को देखा। कहीं कहीं ना कहीं हम फौज में फिर अपनी रेजिमेंट, अपनी यूनिट, अपना वो देखना शुरू कर देते हैं। वो एक कमी भी कह लो, एक पॉजिटिव साइड भी होता है रेजिमेंटेशन का। बट फ्रॉम अ जर्नलिस्ट, और आज पहली बार, लास्ट ईयर मैंने 2-3 इंटरव्यू किए थे, और इस लड़ाई के दौरान ना मैं काफी सीनियर मेजर था, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने ही वाला था, तो मुझे बहुत दिलचस्पी रही है इसको पढ़ने की। और मैं ये इंटरव्यू इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियां देखें इसको, और बहुत डायमेंशंस हैं कारगिल के, और अब देश बहुत मेच्योर हो गया, 24 साल हो गए, अभी हमें ना बड़ा फ्रेंकली कुछ मुद्दों पर बात करनी चाहिए, तभी जाके आने वाली पीढ़ी जो है सही सीख लेंगे। नॉट ओनली सिविल, सिविलियन को तो समझना ही चाहिए क्योंकि देश का मामला है, बट जो फौज में आने वाले बच्चे हैं वो भी देखें इस इंटरव्यू को और पढ़ें, उनकी आदत बने कि पिक अप फ्यू बुक्स ऑन कारगिल एंड रीड, बिकॉज विदाउट रीडिंग आप सिर्फ इधर उधर की बातों में रह जाओगे। तो सबसे पहले विक्रमजीत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप वैली में थे, वॉर करस्पॉन्डेंट थे, इंडियन एक्सप्रेस को रिपोर्ट कर रहे थे, और आपने कई ऑपरेशंस में रहे, आपको कब पता चला इसका और कैसे पता चला? आप श्रीनगर में थे, मुझे ना शुरू का वक्फा बताओ, जब ये ऐसे ऐसे आ रही थी उड़ती उड़ती खबर की कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, क्या था, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? देखिए जनरल मोर साहब, मैं श्रीनगर में इंडियन एक्सप्रेस के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट था 1997 से। तो मैं मेरे को एक बहुत, मेरी जो दिल की तमन्ना थी कि मैं आर्मी के साथ ऑपरेशंस में जाऊं।
और मुझे कोर कमांडर साहब उस टाइम लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण पाल थे, एक ही रिक्वेस्ट होती थी कि जनरल पाल मैंने ऑपरेशन में जाना है पर मैं आपके ब्रिगेड कमांडर या कमांडिंग ऑफिसर के साथ पीछे नहीं रहूंगा, मैं आपका जो राइफल मैन या सिपाही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है उसके साथ जाऊंगा ऑपरेशन में, तभी मैं जानूंगा कि जंग में हमारे वीर फौजियों को क्या फेस करना पड़ता है। तो मुझे याद है कि मैं 1998 फरवरी में वंधामा में 25 पंडितों की मर्डर किया था इन जिहादीज ने, टेररिस्ट ने, तो आर्मी के 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने बहुत ब्रिगेड लेवल ऑपरेशन लॉन्च किया सफापुरा हाइट्स पर। तो मुझे परमिशन मिली कि आप ऑपरेशन में पहुंच जाइए, आपको हम ऑपरेशन में जाने देंगे। तो आप ये यकीन करिए कि श्रीनगर में रात पड़ गई थी और वहां गांधरबल के आगे जाने के लिए कोई टैक्सी वाला तैयार नहीं था क्योंकि वहां इतना खतरा था। तो मैंने एक ऑटो रिक्शा वाले को मनाया कि आप मुझे ले जाओ प्लीज गांधरबल के आगे। तो उस जमाने में मैंने 250 रुपये ऑटो रिक्शा वाले को दिए। जब मैं ऑपरेशनल साइट पर पहुंचा तो ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर आर के शिवरेन थे, 6 पैरा ऑफिसर थे वो, और वो ऑप्स उन्होंने एक छोटे से हट में अपना ऑप्स रूम बनाया हुआ था, मैप लगाया हुआ था। तो कहते विक्रम ऐसे है कि ये ऑपरेशन चल रहा है, हमारी रात होगी थी, जैसी सुबह फर्स्ट लाइट पर हम आपको ऊपर चढ़ा देंगे। तो मैंने बोला ब्रिगेडियर शेवरेन मैं इस कारण नहीं आपके पास आया कि आपके साथ बैठ के मैं सूप पीऊं रात को जब आपका जंग चल रहा है, मैंने अभी जाना है आपकी जंग में और ये कोर कमांडर साहब के मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि आप जा सकते हैं। तो ब्रिगेडियर शेवरेन मुझे देख के बड़े हैरान हुए और वो देखा कि मेरे में जोश है और एक जस्ट है पैशन है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 9 डोगरा के सीओ कर्नल भरत खुराना थे उस टाइम, उनको रेडियो कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जर्नलिस्ट आपके पास आ रहे हैं, एक पेट्रोल भेज दो सूबेदार के साथ 7 बंदों का। तो उस रात 7 बंदे नीचे आए फाइटिंग जोन से जो सफापुरा हाइट्स पर लड़ाई चल रही थी और वो मुझे ऊपर ले गए 9 डोगरा की जो कॉर्डन में। तो सारी रात मैं वहां रहा, फरवरी का महीना था, कैन यू इमेजिन, और बहुत वहां ठंड फाइटिंग होती चल रही, एमएमजी चल है। रही थी, एलएमजी चल रही थी और टेररिस्ट को मार रहे थे। 6 मारे हमने, हमारी फौज ने। उसके अगले दिन कुछ भागे तो मैं उससे भी ऊपर चढ़ा, नारो जो रवीन्स होती है उनके ऊपर, 9 डोगरा के साथ मेजर रजेश भास्कर थे कंपनी कमांडर, उनके साथ मैं चढ़ा। तो 2 दिन मैं रहा उनको उस ऑपरेशन में। तो मैं कहने का ये मतलब है उसके बाद मैंने और ऑपरेशन 3 3 दिन मारा ऑपरेशन में। तो फौज को ये आइडिया हो गया कि विक्रम कर सकता है, ये फायर के अंडर स्टेमिना भी है, फायर के अंडर ये सह सकता है फायर को और ये स्टडी है फायर में। तो कारगिल की जो पहली इंडिकेशंस आई वो मई के 6 मई को, एक बड़ी अनयूजुअल बात हुई। 12 जाट का लायंस नायक खड़क सिंह तुरतुक सेक्टर में गोली मारी उसे। ये 6 मई की बात है, सौरभ कालिया का देखो 14 मई को हम सोचते हैं कि सौरभ कालिया फर्स्ट कैजुअलिटी है, ये करेक्ट। गलत है। तो मैंने बीजे साहब को फोन किया, ब्रिगेडियर टू द जनरल स्टाफ, ब्रिगेडियर अरुण चोपड़ा होते थे 15 कोर हेडक्वार्टर्स में। तो मैंने बोला ब्रिगेडियर चोपड़ा ये क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा वो ना ऐसी पेट्रोल क्लैश हुआ है तुरतुक में और हमारा एक फौजी वहां मृत्यु होगी। तो मुझे लगा कि ये पेट्रोल क्लैश होते तो रहते हैं पर ये कुछ, ये क्यों इतना, मुझे मन में कोई चीज खड़क रही थी कि ये क्यों, ये इस चीज को थोड़ा गोलमोल से बात कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू से के कुछ खास नहीं है इसमें, मुझे थोड़ा और एक और चीज बता दो इसमें लोगों को कि तुरतुक कितना दूर है कारगिल और द्रास से एक्चुअल में, जिस एरिया में ये आप बात कर रहे हो। देखिए आई थिंक ये वील कम बैक टू दिस सब्जेक्ट के कारगिल की लड़ाई क्या थी। कारगिल की लड़ाई सिर्फ कारगिल की लड़ाई थी, कारगिल की लड़ाई बटाले की लड़ाई थी और बटाले के आगे चोर बटला तुरतुक और
सब सेक्टर वेस्ट जिसे हनीफुदीन कहते हैं सेक्टर, हनीफ सेक्टर कहते हैं। हाँ टिल साउथ सियाचिन ग्लेशियर। यस इट इज नॉट जस्ट कारगिल, मैं तो उसको कहूंगा कारगिल, ऑलमोस्ट कारगिल सियाचिन लड़ाई थी, क्योंकि कारगिल दो सेक्टर इन्फेंट्री ब्रिगेड के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंट्रूजन हुई, और इसके बड़े गहरे रीजंस हैं कि हमने सिर्फ इसको एक ब्रिगेड पर कन्फाइन करके कारगिल युद्ध का नाम दिया। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं, लेकिन वो किसी और बाद में समय बात पे। करेंगे। तो मुझे इस बात को खड़की, एनीवे मैं कुछ प्रूव नहीं कर सकता था इस बात बारे में, तो मैं चुप रहा। उसके बाद फरूख अब्दुल्ला साहब जो सीएम थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई कारगिल में तालिबान आ गया, अच्छा तालिबान हैव कम टू कारगिल, दे आर देयर, द आर्मी इज नॉट रिएक्टिंग, ऐसे बात कर रहे हैं। तो आर्मी को एडमिट करना पड़े कि हाँ भी कोई ऐसे है कि वो जिहादी काइंड आ गए ऑन अ नियर, जो कृष्णपाल, जनरल कृष्णपाल ने कहा नियर सुसाइडल मिशन, कृष्णपाल ओके साहब तो की ये वर्ड्स हैं। इसका मतलब ये पॉलिटिकल लेवल पे पता लग चुका था कि ये पाकिस्तानी हमारे एरिया में आ चुके हैं पहले हफ्ते मई में तकरीबन। हाँ पाकिस्तानी नहीं, ये जिहादी कह आइडिया लो चलो। कि शायद हाँ अफगानी तालिबान आ गए हैं, अच्छा ओके अफगानी तालिबान आ गए ओके। हाँ हाँ क्योंकि वो रेडियो सेट पर पुश्तों में बात कर रहे थे, डिसेप्शन ओके अच्छा हाँ डिसेप्शन के लिए। तो ये जब बात निकली बाहर, तो आर्मी को कुछ ना कुछ तो एडमिट करना पड़ा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है कारगिल सेक्टर। पर इन्होंने क्या किया, आर्मी ने ऐसा सील किया जो जिला के कोई जर्नलिस्ट को इन्होंने अलाउ नहीं किया, जर्नलिस्ट को कहा कि आप बिल्कुल जो जिला सोनामर्ग के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। और जब तक जोजिला क्रॉस नहीं करोगे आप द्रास कारगिल बटालिक जा ही नहीं सकते हो तो जो जिला एक ही। क्रॉस, हाँ जो जिला क्रॉस करेंगे तो हम द्रास पहुंचेंगे, द्रास के आगे कारगिल, कारगिल के आगे बटालिक। पर लेकिन एक वो जर्नलिस्ट थे प्रवीण स्वामी है था इनका नाम, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के काफी क्लोज थे, उनके लिंक्स थे। ओके तो उन्होंने क्या किया, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जिप्सी में बैठ के वो निकल गए सोनामर्ग से आगे। अच्छा हाँ सो एनीवे मैंने क्या किया, मैंने बोला ये तो कोर हेडक्वार्टर में मैंने फोन फोन किए, आई न्यू ऑफिसर्स, बट वो सारे ऐसी चुप्पी लेके बैठे जो मेरे खास बंदे थे, जो मैं जानता था, बहुत अच्छे मेरे उनके रिश्ते, वो भी बिल्कुल कहते ना लिप सील्ड, बताने को तैयार नहीं, जैसे उनको किसी ने पिस्तौल रखी है कि किसी जर्नलिस्ट को बोलना नहीं कुछ सुन। ओके तो मैं एनीवे मैं सोनामर्ग पहुंच गया। जब मैं सोनामर्ग में बैठा इधर उधर घूम रहा हूं, क्योंकि वहां फौज की एक्टिविटी काफी थी, एक ब्रिगेड कमांडर द्रास से वापस आ रहे थे, वो मुझे अच्छी तरह जानते थे। तो उनकी जोंगा में उन्होंने, जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने जोंगा की खिड़की थोड़ी सी खोली और कहा विक्रम मेरे पास आओ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि सेंसिटिव मैटर है। तो उन्होंने जोंगा की विंडो खोली और मुझे कहा अंग्रेजी में, ये मई के आई थिंक सेकेंड वीक की बात है, सेकेंड वीक ऑफ मई, कहते विक्रम सिचुएशन इज वेरी सीरियस, हेड्स विल रोल फॉर दिस। आज भी ओके मुझे उनके एग्जैक्ट शब्द याद याद है, सिचुएशन इज वेरी सीरियस, एंड हेड्स विल हेड्स रोल। विल रोल फॉर दिस। और कहा कि अब मैं जा रहा हूं नीचे श्रीनगर, कोर हेडक्वार्टर में मेरी मीटिंग है, क्योंकि जो मैंने फीडबैक वहां देखा है कारगिल द्रास में, मैंने जाके रिपोर्ट कर। तो ओके मैं ये समझ गया कि ये मामला बहुत गंभीर है और आर्मी कुछ हद तक इसको ढकना चाह रही है, या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस विषय में ज्यादा बात नहीं करना चाह रही पब्लिकली। तो ये कुछ इंडिकेशन थी जिससे मुझे कारगिल युद्ध की इंट्रोडक्शन हुई। ओके तो भनक लगी
ये मतलब भनक लगनी शुरू हो गई थी कि, और तभी शायद हम लोगों को भी जो थोड़ा बहुत अखबार पढ़ रहे थे या न्यूज़ वगैरह सुन रहे थे कि हाँ कुछ लोग साइटेड हुए हैं, नाउ टेक अस फॉरवर्ड की इसके बाद क्या हुआ, ये सौरभ कालिया का जो किस्सा था उनकी पेट्रोल का, वेयर वर यू दैट टाइम? सौरभ कालिया का पेट्रोल, मैं उस टाइम श्रीनगर में था क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिली थी। ये 14 मई की बात है। नौ आर्मी को काफी सेक्टर से रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ बंदे देखे, यहाँ फायर एक्सचेंज हुआ है, बटालिक से शुरू हुआ, रिपोर्टें आई बटालिक में, 3 पंजाब के बंदों को पता लगा थ्रू दैट सबसे पहले ऑपरेशन। तो बटालिक में ही आई खबर जब आशी एक, नामग्याल, हाँ आशी नामग्याल ने करी आशी थी। नामग्याल ने, जो कि बेसिकली आप कह लो आज की भाषा में चरवाहा कह लो या नहीं, वो शेपर्ड भी था, वो ना यैक्स शेपर्ड। लेके जाते हैं और उसको मुझे लगता है शिकार का भी थोड़ा शौक था। तो वो अपने दो साथियों के साथ ना, जैसी स्नोज मेल्ट हुई तो वो ऊपर चोटियों में चढ़ा कि कुछ शिकार भी मिल जाए वहां। तो जब उसने वहां देखे, उसने रिपोर्ट करी 3 पंजाब को, फिर द्रास में भी रिपोर्ट्स आई कि ये कुछ बंदे उसने तो वहां यही घूम रहे। बोला कि कुर्ते पजामे में लोग देखे, सलवार हाँ, सलवार कमीज में, ब्लैक सलवार कमीज। कमीज, हाँ वही पंजाबी जो है, बिकॉज वो ड्रेस वहां कोई पहनता नहीं। नहीं, पर मैंने ताशी से बाद में बात भी करी थी। ताशी कह रहा था कि मैं जब 3 पंजाब को लेके गया एक छोटे से पेट्रोल को, तो हमने जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहां टेंट ही टेंट लगे हैं, आई थिंक कुकरथांग या थारू के ऊपर, और वहां एंटने भी लगे हैं, एंटेनास भी हैं और टेंट्स बड़े हैं। तो दिस इज नॉट स्टाइल ऑफ जिहादीज और इरेगुलर्स, क्योंकि उनका स्टाइल होता है टू कम थ्रू एंड भाग जाना नीचे और हाँ, वो पॉपुलेशन में मर्ज बेसिकली करना। रक्सैक लेके आते हैं और उन्होंने एक रात या 2 रात काटनी होती है, फिर वो कंफर्टेबल जगह उनको, पहुंचना उन्हें चाहते हैं। पॉपुलेशन में पहुंचना और मर्ज कर जाना, छुप जाना। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटली, मैंने भी बहुत ये पाकिस्तानी जिहादी देखे, इनका यही है, एक रात क्रॉस करो, अगली रात और मैक्सिमम चलो और पहुंच जाओ पॉपुलेशन में, और बट उनका ये ये डिफरेंट था। कभी नहीं होता कि जब वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो वो दे वांट टू एंटर इनटू फायर कांटेक्ट विद द आर्मी, No, they will never. क्योंकि वो उनका जब फंस गए तो फायर करेंगे, पर उनका होता है कि चुपचाप से निकल जाए यहां से। तो निकल जाओ। ये क्या कर रहे थे कि ये जो बंदे फायर कॉन्टैक्ट कर रहे थे आर्मी के साथ, जब हमारे पेट्रोल जा रहे थे, तो ये एक तो ये फायर वापस कर रहे थे और वहां से हिल नहीं रहे थे। तो ये भी बड़ी एक अनयूजुअल सी बात हो रही थी। नाउ कमिंग टू सौरभ कालिया, जो कि हमारे हाँ पब्लिक में उनका बहुत रेजोनेंस है, कैप्टन सौरभ कालिया का। बहुत ज्यादा, हाँ, हिमाचल प्रदेश के डायरेक्ट एंट्री सीडीएस से, फादर वॉज अ साइंटिस्ट, है ना, बहुत सौरभ ही कालिया की जो इंसिडेंट है उसमें बहुत डायमेंशंस हैं जो लोग जानते नहीं। जब हेडक्वार्टर 3 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसके अंडर सौरभ कालिया का बटालियन 4 जाट था, उनको ये रिपोर्टें आई, तो उन्होंने 4 जाट को कहा कि आप एक पेट्रोल भेजो, कहाँ, बजरंग पोस्ट, 17,000 फुट पर, इट इज इन द एरिया कॉल्ड साउथ वेस्ट स्पर 0.5299 ऑन दी LOC। 529, आप देते 0.5299 का मतलब ये है 5299 मीटर्स, अगर आप हाँ, इसको, 5,299 मीटर। हाँ, तो ये कोई 17-18 हजार फुट की ऊंचाई पर है, इससे भी ज्यादा, 17,000 से ज्यादा। हाँ, उससे भी ज्यादा। नाउ प्रॉब्लम ये थी कि जो बजरंग पोस्ट थी उसको हमें विंटर में होल्ड करने के ऑर्डर्स थे, कि विंटर में हमने उस पोस्ट को छोड़ना नहीं, उसको होल्ड करना है, लेकिन अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ 15 कोर दी पोस्ट वाज वेकेटेड इन अप्रैल, और पाकिस्तानी ने आके वो पोस्ट ऑक्यूपाई कर। ओके, अब हेडक्वार्टर 3 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसने ऑर्डर दिया सौरभ कालिया को, उसको ये नहीं पता कि पोस्ट पाकिस्तानी आर्मी ने आके ऑक्यूपाई करी, और उनको शक था कि ये पोस्ट तो नहीं हमारी कहीं, ये जो बंदे अंदर आ गए हैं इन्होंने पकड़ तो नहीं दी पोस्ट। तो इन्होंने सौरभ कालिया और 5 लड़के हमारे जवान भेज दिए कि आप चेक करके आओ कि बजरंग पोस्ट जो है
वो खाली पड़ी है कि पाकिस्तानी या कोई आ गया वहां। अब एनिमी जो दुश्मन था वो बहुत स्ट्रेंथ में आया हुआ था। ओ, और ये किसी को इल्म नहीं था तब तक, किसी को ये, मतलब आपको क्या लग रहा है, ये पता था नहीं कि आप इतनी देखिए इतनी जनमोर, तादाद में लोग बैठे हैं? नहीं जनमोर साहब आप देखिए कि आइडिया आर्मी को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर आप 6 आदमी भेज रहे हो 18,000 फुट पर, तो आपकी असेसमेंट ऑफ एनिमी स्ट्रेंथ तो क्या, आप सोच ये सोचोगे घट लोग होंगे 2-4, इसलिए आप 6 आदमी 18,000 फुट भेज रहे हो। अब इसके बाद सुनिए आप, ये 14 मई को सौरभ कालिया जी का पेट्रोल जाता है कैप्टन सॉरी, और वो आउट ऑफ रेडियो कॉन्टैक्ट और मिसिंग हो जाता है। उसके बाद आर्मी को अब लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है। उसके बाद वो 32 मैन फाइटिंग पेट्रोल अंडर कैप्टन अमित भारद्वाज फ्रॉम सेम बटालियन जो सौरभ कालिया का 4 जाट, और हाँ वो कहते हैं आप, उनको ऑर्डर मिलता है कैप्टन भारद्वाज को कि आप जाके देखो क्या हुआ है सौरभ कालिया को और बजरंग पोस्ट जो हमारी है जो हम छोड़ के आए हैं। इसके बीच में कुछ आइडिया, कितने दिन इनका पता नहीं चला कैप्टन कालिया का? ये आई थिंक 1-2 दिन की बात है, क्योंकि ओके इमीडिएटली जैसी 15 मई तक नहीं आइडिया आ रहा सौरभ कालिया का, तो आई थिंक 16 को कैप्टन भरद्वाज का पेट्रोल चल पड़ता है 0.5299 साउथ वेस्ट पर बजरंग पोस्ट के, बेसिकली सौरभ कालिया को ढूंढने के लिए कि उनका क्या हुआ, वो कहाँ है, और चेक करने के लिए कि और चेक करने। बजरंग पोस्ट हमारी जो है विंटर हेल्ड पोस्ट कहते हैं। विंटर हेल्ड मींस कि आपने विंटर में उसको अपने फौजी वहां रखने हैं, नीचे नहीं लेके आने, उनको फौजियों को पूरा सामान दिया जाता है, राशन दिए जाते हैं, एम्यूनिशन वेपन सारा, के वो 4-5 महीने वहीं टिके रहे कि वही टिके दुश्मन रहे। हमारी पोस्ट ना पकड़। इसको कहते हैं विंटर हेड पोस्ट। तो 15 कोर के इंस्ट्रक्शंस आई थी कि हमने विंटर ऑफ 98-99 में ये कुछ पोस्टें हैं जो हमने वेकेट नहीं करनी, विंटर पूरा होल्ड करनी, पर वो पोस्ट हमने वेकेट करनी। तो जब भरद्वाज का पेट्रोल 32 मैन फाइटिंग पेट्रोल, ना देखो ये अब स्ट्रेंथ क्या ये होता, पहले 6 गए थे, 32, 32 तो 32 फुल प्लस फ्लेजेड ऑफिसर, प्लेटून है, फाइटिंग पेट्रोल है बिल्कुल। 32 प्लस ऑफिसर, इसको टेक्निकली जो आप यू नो बेटर फाइटिंग पेट्रोल हाँ के नाम दिया गया। बिल्कुल। तो जब ये गए तो दुश्मन बिल्कुल उनकी इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो ऊपर चढ़ रहे थे बेचारे, स्नो थी पूरी, आहिस्ता आहिस्ता हाई ऑल्टीट्यूड में चढ़ते हैं, आपको पता है हाई ऑल्टीट्यूड में ऐसे बंदा चढ़ता है जैसे कोई दीवार के ऊपर आहिस्ता से कोई ओ कीड़ा जा रहा है, बिल्कुल, इतनी बहुत स्लो बहुत प्रोग्रेस है, राइट? इट्स लाइक अ सामान भी स्मॉल लेके जा रहे हो आप, आपके पास पूरा राशन है, टेंटेज एसेंबल है, स्लीपिंग बैग है, एमिनिशन कैटरपिल, है, एमएम। कैटरपिलर नहीं चढ़ता हाँ। दीवार पर, कैटरपिलर आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो ये हमारे बड़े वीर जवान चढ़े, दुश्मन ने इतना फायर खोला, इतना फायर खोला कि पेट्रोल वॉज टोटली कहते ना फंस गया, फंस गया। और कैप्टन भरद्वाज और राजबीर उनके साथ जो हवलदार या सूबेदार थे, आई थिंक हवलदार थे राजबीर, वो वहीं उनकी शहादत, वो मौत हो गई इल्ड उनकी, इन किल्ड एक्शन, इन अच्छा एक्शन, ओए, और उनके काफी लड़के घायल हुए, पर वो दोनों तो वहीं रह गए, बॉडीज वहीं रह गई, और ये दूसरे जो 32 जो 30 लोग थे उसमें वो बच के रिट्रीट करके नीचे आ। और ये देखिए कि दुश्मन का इतना कंट्रोल था बजरंग पोस्ट के ऊपर और उस एरिया में कि उनकी बॉडीज जो थी कैप्टन भरद्वाज और राजबीर की, ये आई थिंक 13 जुलाई 99 को जाके रिकवर हुई। ओ अब बॉय, देखिए 16 मई या 17 मई को उनको गोली लग के उनकी मौत हुई है, और इतना फायर पड़ रहा था कि हमारी अगर हम उन बॉडीज को रिट्रीव करने जाते तो हमारे और लड़के और मरते। भी, और हम मैं कहते भी हैं आर्मी में कि भाई वन डेथ शुड नॉट इनवाइट अनदर डेथ, है और मैं ना? आपको एक बात बताऊं, और बहुत ही ट्रेजिक और बहुत ही सैड, और हमारी फैमिलीज की जो बहादुरी है, उनके जो हौसला है, जब कैप्टन भरद्वाज की सिस्टर सुनीता जो जयपुर में रहती हैं, उनको पता लगा
तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई। आर्मी ने कहा वी आर सॉरी, हम उनकी बॉडी अभी नहीं रिट्रीव कर सकते क्योंकि अगर हमारे जो और भेजेंगे लड़के तो वो भी मर जाएंगे, दुश्मन का पूरा कंट्रोल। तो सुनीता जी ने, इट इज सो एडमिरेबल, शी सेड के आई एम विद यू, बॉडी वहीं रहने दो, हम आई डोंट वॉन्ट के कोई भी हमारा जवान ये रिस्क ले। यही यही हुआ कैप्टन हनीफुद्दीन के साथ। यस बिल्कुल, उनकी माँ ने भी यही कहा, सिंगल मदर, कि भाई हम हनीफ की बॉडी ला नहीं सकते। उन्होंने भी यही कहा कि कोई बात नहीं। और एक बहुत ही इसमें जो ट्रेजिक, बहुत ही पॉइग्नेंट बात जो मैं कहूंगा, जब वॉर खत्म हुई और उनकी जो बॉडीज रिट्रीव हुई दोनों हमारे लड़कों की, भरद्वाज, कैप्टन भरद्वाज और राजवीर की, तो फौज ने फिर ना एक बजरंग पोस्ट से मिट्टी लेके, बजरंग पोस्ट की मिट्टी एक अर्न में रख के, एक कंटेनर में रख के, उन्होंने ने कैप्टन भरद्वाज की फैमिली को जयपुर में भेजी अपने बेटे की याददाश्त के लिए। तो वो उन्होंने मिट्टी जो बजरंग पोस्ट की है, जहां उनका के खून रखी। मिला अपनी देश की, अपनी रेजिमेंट की, अपनी पलटन की इज्जत के लिए, तो वो मिट्टी जो है, खून भरी मिट्टी आज उनके घर में है, उसकी वो पूजा करते हैं। तो ये हमारी फैमिलीज की, मैं कहता हूं सल्यूट टू देम, ये सब परमवीर चक्र, महावीर चक्र वाली फैमिलीज हैं, इनको सबको मिलना चाहिए मेरे मैं अंदाज। कहता हूँ हर एक की, हर की मैं कहता हूँ, जितने 543 जो भी मतलब हम लगाते हैं, हर जो वहां वीरगति को प्राप्त हुआ, बहुतों के तो नाम ही नहीं जानते ना ये, तो हर एक का बहुत बड़ा हौसला था इस पूरी लड़ाई में। और पूरे देश का भी हमने देखा किस प्रकार से टेलीविजन स्टूडियोज में ये वॉर आया, और पूरा देश मतलब तब कोई बात नहीं करता था, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे, और बहुत जज्बा था पूरे देश में और पूरी फौज में भी। तो अब सौरभ कालिया की बॉडी के बारे में बताओ कि वो कैसे रिट्रीव हुई, जो आज भी उनके ऊपर जो जो है ना ये टॉर्चर के साइंस थे, और जो उस इंसिडेंट ने अभी तक जो है ना हमारा खून खौलता है जब कि जलमोर साहब, आई थिंक ये जो सौरभ कालिया की बॉडी के जो इंसिडेंट है वो, इट इज वेल नोन टू द पब्लिक, उसकी बहुत डिस्कशन हुई है पब्लिक में, और इट इज अ वेरी हाँ आई सैड, नो, बड़ी पेनफुल है कि उनकी बॉडीज बहुत के साथ पेनफुल है। क्या हाल किया उन्होंने। हाँ, उनके भाई एक्चुअली ने दे रिकॉग्नाइज किया, नहीं तो शायद बॉडी रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते। एक्चुअली दे वर एम्बुश्ड, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के जो फौजी एनएल, आई थिंक इट वॉज 13 NLI के बंदे थे जो एनएलआई मींस अक्सर, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, हाँ नॉर्थ जो सॉरी कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, दर्शकों के लिए उनकी एनालाइज लाइक हमारे लद्दाख स्काउट्स लगा लो या कुमाऊं स्काउट्स लगा लो, जो वहीं के लोग जो हैं स्कार्दू और उस इलाके के जो जवान भर्ती होते हैं वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में भर्ते होते हैं, और वही पूरी की पूरी उन्हीं की यूनिट्स इन्वॉल्व थी कारगिल की लड़ाई में बाय एंड लार्ज। प्लस SSG भी थी उनके पास, हाँ, एसएसजी के और तो एसएसजी इज लाइक हमारे स्पेशल फोर्सेस, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू आर स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, तो तो वो चलो थे। ये फिर आ, आ, ये बहुत इसको करेंगे तो हम बहुत ही ना वील गो बैक टू द सेम थिंग व्हिच एवरीबॉडी हाँ। नोज। सो मेरे को ना अब जरा हमारे ऑडियंस के लिए ये बताओ, ये तकरीबन 130 किलोमीटर में की फ्रंटेज में तकरीबन ये इंट्रूजन हुआ है, तो आपके आइडिया से ऐसे जर्नलिस्ट, जब आपको क्लियर हो गया, आई थिंक 25-26 मई तक तो क्लियर था कहाँ कहाँ हुआ है, आपको क्या परसेप्शन है कि ये FCNA का क्या रोल था, इस एरिया में क्यों क्यों आए ये बच्चों के लिए, कि भी व्हाई डिड कारगिल हैपन, व्हाट इज योर असेसमेंट? देखिए, अगर पहले आई विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, इन हमारे साइड से क्या प्रॉब्लम हुई और उनके साइड से क्या कैलकुलेशन थी और क्या फैक्टर्स है जिस कारण पाकिस्तान ने वो ऑपरेशन लॉन्च करी, और उस ऑपरेशन का नाम पाकिस्तान ने कोड नेम रखा था ऑपरेशन को पाइमा। पाइमा ओके। को पाइमा मींस ल्योर ऑफ द माउंटेन्स, अच्छा, को चैलेंज ऑफ द महिमा, माउंटेन्स, अच्छा ये पाकिस्तान का कोड नेम था को पाइमा। ओके नो अगर हम इंडियन साइड पर, हमारी साइड से आए, देखें सिचुएशन को एट दी जो कहते हैं लार्जर पिक्चर, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारी को, हमारी गलती हुई है इसमें, वो ये है कि हमने जो लद्दाख एरिया, बहुत बहुत बड़ा एरिया, उसमें हमारे दो बड़े तकड़े दुश्मन बैठे हैं, पाकिस्तान और चाइना, एक नहीं दो। दो, बिल्कुल लद्दाख को हमने
मिलिट्री रिसोर्सेस से बहुत घट कर दी, और इसकी एक तो कहने का मतलब क्या है, क्यों किया हमने वहां से? पहले ही कम थे रिसोर्सेज, एक डिवीजन थी उस टाइम पे, थ्री डिवीजन, जो कि ले में हेडक्वार्टर था जिसका, और इसे जब हमने सियाचिन लिया 1984 में, ऑफ मेघदूत में, जो हमारी बहुत बड़ी ऑपरेशन थी, हाँ बिल्कुल, फोर कमांड लद्दाख स्काउट्स की, उसके बाद हमारे मिलिट्री प्लानर्स ने ये बात करेक्टली समझी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बदला लेगा सियाचिन का, और ऑब्वियस जो बदला लेगा वो कारगिल सेक्टर में होगा। तो हमने 1985-1986 में, आफ्टर सियाचिन, अंडर द कमांड ऑफ मेजर जनरल आर के गौर, वी रेज्ड 28 इन्फेंट्री डिवीजन, जो शुरू हुई कुपवारा में, उसका हेड यू नो फॉर्मेशन रेजिंग शुरू हुई, बट इट वॉज देन मूव टू लद्दाख। ओके, तो उसके बाद लद्दाख में हमारी दो पूरी डिवीजन आ गई, थ्री ओके, इन्फेंट्री डिवीजन एंड 28 इन्फेंट्री डिवीजन। ओके, थ्री इन्फेंट्री डिवीजन वेस्टर्न लद्दाख के लिए इंक्लूडिंग सियाचिन, और नहीं, ईस्टर्न लद्दाख के लिए, सॉरी, हाँ, और वेस्टर्न लद्दाख के लिए कारगिल द्रास बटालिक के लिए 28 इन्फेंट्री डिवीजन, जो अब करंटली 8 माउंटेन डिवीजन की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आप समझिए कि पूरे लद्दाख में 1991 तक दो फुल डिविजन ओके, विथ फुल रिसोर्सेज फॉर डिफेंसिव ऑपरेशन इन दी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। अब कश्मीर की प्रॉब्लम शुरू होगी, 1989-90 में जिहादी अंदर आने लगे। तो आर्मी ने क्या किया, 28 इन्फेंट्री डिवीजन को लद्दाख से पुल आउट करके कुपवारा में हेडक्वार्टर कर दिया, और उसकी मेन टास्क थी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, एलओसी को कुपवारा नॉर्थ कश्मीर में बहुत सेंसिटिव एरिया है एलओसी का, तो वो वहां लगा दिया इन्होंने 28 इन्फेंट्री डिवीजन। और क्या हुआ कि पूरा लद्दाख फ्रॉम काबली गली, वहां जो जिला से लेके द्रास, कारगिल, बटालिक, सियाचिन, ईस्टर्न लद्दाख, एक इन्फेंट्री डिवीजन रहेगी, थ्री, जो जिसे हम कहते हैं थ्री इन्फेंट्री डिवीजन। और आप ये देखिए कि फ्रॉम जो जिला टू तुरतुक चोरबटला एक ब्रिगेड रह गया, जहां एक फुल डिवीजन थी, अब रह गया एक ब्रिगेड, वन टू वन इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप, जिसके अंदर फोर बटालियंस थी। कहने का ये मतलब है कि पूरे लद्दाख में हमने कोई रिजर्व नहीं छोड़ी। ओके, वैसे थिन आउट हो गया रिजर्व। 70 ब्रिगेड को भी हमने, जो रिजर्व ब्रिगेड था ईस्टर्न लद्दाख के लिए, खलसी में हेडक्वार्टर थे खलसी में, हाँ, 1997 में रिजर्व ब्रिगेड को 15 कोर कमांडर उस टाइम होते थे लेफ्टिनेंट जनरल जे एस ढिल्लो, उन्होंने विड्रॉ करके वैली में लिया। ओके, तो ये सब पाकिस्तान देख रहा था, ये सब पाकिस्तान सब देख रहा, वो देख रहा है कि जो हमारा एक वो जो कहते हैं ना, हमने चाल चली है कि इंडिया को कश्मीर में अपने पूरे रिसोर्सेज सकेंड करी जाओ। ये तो था ही उनका कि विल ब्लीड देम बाय 1000 कट्स, और कि इनको यहां इतना थका देंगे कि ये बाकी जगह लड़ने के लायक नहीं रहेंगे, हमारे लड़ने के लायक नहीं, रिसोर्सेज वहां से लगा लेंगे, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, हाँ, और रिसोर्सेज नहीं होंगे तो लड़ोगे कैसे? तो अब ये देखिए, अब मैं जो मैं कह रहा हूं उसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ, जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ मई में, पूरे लद्दाख में देर वर नो रिजर्व्स, और इसका ये मतलब हुआ कि 56 माउंटेन ब्रिगेड, जो वूसन में हेडक्वार्टर थी ऑन सीआई, जिसे कहते हैं टेरिस मारने के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, उसको ओवरनाइट पुल करके द्रास में भेज दिया। 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जो एक सिर्फ हेडक्वार्टर ब्रिगेड था, उसके साथ कोई यूनिट्स नहीं थे, इंजीनियर इंजीनियर एलिमेंट, सिग्नल एलिमेंट्स भी उसके बड़े इनएडिक्वेट थे।
उसको भेज दिया कि आप बटालिक टेक ओवर करो विदाउट बटालियंस, इन्फेंट्री बटालियंस, विदाउट जस्ट द आर्मी एज अ हेडक्वार्टर. कोर, क्योंकि रिजर्व्स ही नहीं है। और 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो बटालिक में लड़ाई लड़ी है उनको जो पहले दो बटालियन मिले, 111 गोरखा राइफल्स और 12 जैक लाइट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, वो सियाचिन से डी इंडक्ट करके आ रहे थे एंड यस, ये जो पूरा सियाचिन टेन्योर करके जो सबसे टफ टेन्योर होता है, ये और फिर एक उनके पास साल स्ट्रेंथ, के. सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी स्ट्रेंथ वाज ऑलमोस्ट 1/3। क्यों? क्योंकि उनके जो लड़के थे वो डी इंडक्ट होके अपनी पोस्टिंग पर जा रहे थे, कोई पुणे जा रहा था, बटालियन पुणे जा रहा था, ठीक है, उनके रिजर्व आगे सारे निकल गए थे। अच्छा, जो बटालियन इन्फेंट्री सपोर्ट वेपन्स होते हैं वो उन्होंने हैंड ओवर कर दिए थे, जो दूसरी पलटन आ रही है सियाचिन में टेक ओवर करने के लिए। अब ये दो बटालियन जिनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है वो दे दी इन्होंने 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड को, क्या बटालिक की लड़ाई लड़ो? अब आप जानते हैं, आप ही समझाइए हमारे ऑडियंस को कि इतना बड़ा सेक्टर बटालिक है, इतना बड़ा सेक्टर है, और 17,000, 18,000, 16,000 फीट पर पाकिस्तानी बैठे, वहां गन एरियाज नहीं है हमारी तोपों के लिए, क्योंकि वहां जो है इंडस रिवर के ऊपर हमने अपनी तोपे रखी थी और फायर मारे थे, पर इंडस की ऊपर जो है पहाड़ियां बहुत ऊंची हैं, वहां तो तो उन क्लियरेंस ही नहीं है, वहां तो क्लियरेंस ही क्लियरेंस नहीं था गन्स को मतलब फायर करने के लिए. और यहां भी जब द्रास की हम बात करते हैं तोलोइंग वगैरह की, वो रोड पर ही एमिनेशन ड्रॉप करके गाड़ियां चली जाती है, तो वहीं पे गन लगी हुई थी वो द्रास वॉज शूटिंग में. मच मोर इजी मच मोर इजी दैन देन बटालिक, ये लोगों को बटालिक, पता तो नहीं। सबसे बिल्कुल, ये तो बता दूं मैं कि सबसे डिफिकल्ट टेरेन, सबसे खराब इलाका, बिल्कुल जो नाइफ एज या सबसे मतलब दुर्गम जिसको कहेंगे, वो था बटालिक, बटालिक का इलाका जहाँ की अभी हम तो हाँ, तो ये बता रहे थे, तो ये हमारी तरफ से ये कमी थी कि भाई ये तो मेन और क्या जो कमी कम थी. मेन कमी ये थी कि हमने लद्दाख को आर्मी प्रेजेंस से बहुत घट कर दिया था, और तो दुश्मन ये ने हम ये अप्रिशिएट नहीं कर पाए, ये कहीं ना कहीं हमारी अप्रिसिएशन में कमी रह गई कि ये सब पाकिस्तान भी देख रहा होगा, और हमने इंसर्जेंसी को दबाने के लिए कश्मीर की नीचे से लाने के लिए इन ट्रुप्स को यूज कर वो एरिया खाली हो गया जो कि मुशर्रफ ने और एग्जैक्ट प्लानिंग थी. एग्जैक्ट दूसरी प्रॉब्लम जो हमारी साइड से आती है, हम तो कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर, ये इंटेलिजेंस फेलियर पूरा नहीं है, फेलियर ये था कि हमारी जो एलओसी है लद्दाख में, कारगिल बटालिक द्रास मशको, उसमें जो हमारी पोस्टें हैं एलओसी पर बहुत दूर दूर स्प्रेड है, तो जैसे एक पोस्ट यहां है 40 किलोमीटर आगे दूसरी पोस्ट है, तो इन 40 किलोमीटर खाली पड़े हैं, खाली पड़ा है. खाली हाँ पड़े। तो हमारा क्या होती है, जो आर्मी करती है कि जब सर्दी, जब बर्फ पड़ती है तो हम क्या करते हैं, अपने पेट्रोल भेजते हैं सर्दियों में जनवरी दिसंबर में, कि वो जाके चेक करेगा कि 40 किलोमीटर हाँ लॉन्ग में, रेंज, लॉन्ग रेंज पेट्रोल करते हैं जस्ट टू गो एंड विजिट आर पोस्ट, की भाई वहां कोई टेल टेल साइन, कोई नाम, कोई निशान तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं आ गया है, और दुश्मन भी देख रहा है कि ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं. तो बाई फुट पेट्रोलिंग जो बहुत टफ होती है, मैंने खुद किया हुआ है पुंछ से गुलमर्ग, मैं जानता हूं क्या है ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल सर्दी के टाइम खासतौर पे. एंड बाय एयर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं हेलीकॉप्टर से, जिसके लिए कि डेडिकेटेड उनको रखा गया है वहां पे इस काम के लिए. बिल्कुल। सो यू गॉट द पॉइंट कि ये दोनों चीजें हेलीकॉप्टर से और फुट पेट्रोल से हम चेक करते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े गैप पोस्टों में हैं उसमें तो आ तो नहीं गया कोई, उसके बीच में आके कोई बैठ तो नहीं गया, लेकिन हमने ये दोनों चीजें ठीक से नहीं करी, तो पाकिस्तानी ने देखा कि ये निगरानी नहीं रख रहे। अगर मैं रात को सोता हूं और अपना गेट खुला छोड़ देता हूं तो एक ना एक दिन तो चोर देखेगा कि गेट खुला है, चांस मार लो अपना, क्योंकि दुश्मन मुझे विक्रम, बड़ी आपके आपके अंदाज से विक्रमजीत, ये हमारी ये ऑब्जर्वेशन नहीं थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, या कहो नजर हट गई इस चीज की तरफ से कि कुछ होगा. तो
वहां पर जो पाकिस्तान आर्मी की प्लानिंग थी, हेडक्वार्टर उनके FCNA की, 10 कोर की, मुशर्रफ की, काफी कुछ लोगों को पता है बट काफी कुछ नहीं भी पता है। तो आपके हिसाब से, जो एज अ जर्नलिस्ट आपने उनके भी अकाउंट पढ़े हैं, हाउ डू यू फील, उन्होंने कब शुरू किया ये काम करना, कब ट्रुप्स आना शुरू हुए इस इलाके में? देखिए, ये बहुत ही विचित्र सवाल है आपका, और इस सवाल को आंसर करने के लिए आपको पाकिस्तान की जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं या उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उससे आपको आइडिया होता है क्या हुआ। नो, हुआ क्या कि पहले तो हुआ न्यूक्लियर टेस्ट 98 में पाकिस्तान और इंडिया की। हमने, हाँ, हमारे टेस्ट का उन्होंने जवाब दिया। हाँ, जब न्यूक्लियर टेस्ट दोनों साइड ने कर लिए, तो पाकिस्तानी आर्मी ने ये अंदाजा लगाया कि अब जो पहले जो जंगें होती थी बड़ी बड़ी, वो तो रूल आउट होगी, ओके। कि हाँ, अब ये न्यूक्लियर हमारी थ्रेट, भी फौज में सोच थी कि अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होगा क्योंकि दोनों न्यूक्लियर हो गए। तो बड़ी जंग नहीं होगी, बट देर इज छोटी लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्पेस है अंडर, वो कहते हैं अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंग। अंडर, हाँ, कि स्मॉल कन्वेंशनल सेक्टर काइंड ऑफ बैटल्स कैन टेक प्लेस अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर ओवरहैंग, बट लार्ज स्केल बैटल्स नहीं होंगी। ये काफी कुछ कुछ जरा फौज में भी हम बात करते थे इन चीजों की। So, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पर ये असेसमेंट थी, एट वी लुक एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। मुशर्रफ साहब जो थे, अक्टूबर 98 में वो चीफ उनको बनाया। अब जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते हैं कि मुशर्रफ ने ही सारा कारगिल प्लान किया, सारा उनका आइडिया था, पर ये पूरा ठीक नहीं। पूरा ठीक नहीं। हाँ, व्हाट हैपेंड वाज कि जो FCNA के कमांडर थे उस टाइम, मेजर जनरल जावेद हसन, FCNA FCNA आप का फुल फॉर्म भी बता दें लोगों को। फोर्स, FCNA फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज, हाँ, वो कि जो ये जो हमारी लद्दाख के ऑपोजिट है, अपोजिट गिलगित है उसका, बाल्टिस्तान, हाँ, गिलगित गिलगित बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान का जो कमांडर है, GOC मेजर जनरल, उसको FCNA कमांडर कहते हैं। और FCNA में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और SSG, इनका काम है पूरा का पूरा हमारे लद्दाख को देखना। तो जावेद हुसैन जो थे, वो बड़े एग्रेसिव कमांडर थे। 4 साल वो यूएस में डिफेंस अटैची भी रहे, अच्छा, और वो अमेरिकन के साथ उनकी बड़ी अच्छी बनती भी थी, बड़ा तो दिमाग एम्बिशियस चलाते थे, भी, तो इसका मतलब एम्बिशियस भी थे। बहुत एम्बिशियस थे। मैं आई एक्सप्लेन, ये बहुत फैसिनेटिंग पार्ट है, जो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जावेद हुसैन जो थे, वो बहुत उनका था कि हमारे को LOC क्रॉस करके एग्रेशन, एग्रेसिव होना चाहिए। ये अक्टूबर में उनकी ये प्लानिंग शुरू होगी, जैसे मुशर्रफ साहब बने हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके ऊपर जो कमांडर थे, जो कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के इंचार्ज थे, GOC 10 कोर रावलपिंडी के, जो लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल महमूद हसन या ऐसे कुछ, आई फॉरगेट हिज नेम, महमूद है उनका नाम, लेफ्टिनेंट। वो भी माइंडसेट जो उनका था, वो जावेद हुसैन वाला माइंडसेट था कि LC क्रॉस करके अग्रेसिव, LC को वायलेट कर। उनके ऊपर जो थे चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर में, लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, उनका भी माइंडसेट ये, आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई आई एम सेइंग, उनका भी, क्योंकि अजीज खान हैड सर्वड एज FCNA कमांडर अर्लियर, ब्रिगेड कमांड किया था उन्होंने FCNA में, तो कश्मीर उनकी पूरी वहां सर्विस टेन्योर वहां रही। उसके ऊपर जनरल मुशरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी कमांडो अग्रेशन। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये पाकिस्तानी आर्मी का कंप्लीट माइंडसेट नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के बड़े से जनरल से जो LOC को वायलेट नहीं करना चाहते थे, फॉर एग्जाम्पल मुशरफ के जो प्रीडिसेसर थे लेफ्टिनेंट जनरल जनरल जहांगीर करामत, ही वॉज अगेंस्ट वायलेटिंग LOC, क्योंकि वो कहते थे 65 वॉर में जब हमने ये किया ऑपरेशन ऑफ जिब्राल्टर, तो इंडिया ने फ्रंट खोल दिया हमारे पंजाब में। पंजाब
तो ही हैड लर्न्ड द लेसन। जीओसी 10 कोर जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल महमूद के जो प्रीडिसेसर थे लेफ्टिनेंट जनरल सलीम हैदर, उनका भी माइंडसेट वही था कि हमें एलओसी नहीं क्रॉस करना। इनफैक्ट उनके कमांड के अंदर एक ब्रिगेडियर ने पोस्ट ले ली थी हमारे एलओसी क्रॉस करके। लेफ्टिनेंट जनरल सलीम हैदर पूरी रात नहीं सोए, कहते जब तक आप विड्रॉ नहीं करोगे मैं सोऊंगा नहीं, आई वॉन्ट यू टू विड्रॉ इमीजिएटली। तो आप मतलब देखिए ये समझदार लोग थे, जहांगीर करामात और ये लोग समझदार लोग थे कि तो देखिए यार कितना डोंट कॉन्ट्रास्ट टेस्ट है। द रिजॉल्व, कि डोंट टेस्ट द रिजॉल्व ऑफ इंडियन आर्मी। हाँ देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी आर्मी में देर इज अ डिवाइड। देर इज अ डिवाइड। बहुत से कमांडर चीफ चीफ्स रहे हैं, कोर कमांडर्स रहे हैं जो नहीं चाहते थे। बट अब ये क्या हो रहा है, होता है कि ये चार बंदे आते हैं, मुशरफ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जीओसी 10 कोर एंड एफसी यानी कमांडर, जिनका माइंडसेट बिल्कुल सेम ये है। चारों के एक ही सोच के एक साथ आ गए, एक भी डिफरेंट होता तो शायद उनको ये बोलता कि रहा। और इनकी जो सबसे बड़ी असेसमेंट फ्लॉर थी, जो गलत थी इनकी, जब इन्होंने कारगिल लॉन्च किया कि इंडियंस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे, इंडियंस ये तो घबरा जाएंगे और इन्होंने डिफेंसिव पोजीशन लेके कहेंगे बस करो सीज फायर करो, हम नेगोशिएट और हमारा हम अंदर आ गए हैं तो हमारे वो टेरिटरी हमारी हो जाएगी। ये इनकी सबसे बड़ी फ्लॉड असेसमेंट थी। ये विक्रमजीत तो आप बात बिल्कुल सही है, और ये यही हम इतने सालों से बताते रहे हैं कि दे सीरियसली मिसकैलकुलेटेड द रिजॉल्व ऑफ इंडियन आर्मी, द इंडियन नेशन एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। एंड दे ऑल्सो मैं तो इसके बाद इनके साथ मैंने सस्पेक्टेड, स्टाफ कॉलेज किया ढाका में पाकिस्तानी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑफिसर्स के साथ। सो ये मैंने उनसे सुना, और ये मतलब हमारी बातचीत हुई उनके साथ। मैंने कहा यार तुम लोग कहते सर ये नहीं, ये सोचा धोती वाले हैं पहली बात तो पॉलिटिशियंस, और फौज इनकी थक या नहीं करेंगे, ये इतनी पहाड़ियों में कौन लड़ेगा, ये जो मिल गया ये एलसी है, हम कहेंगे जिहादियों ने किया है। हुआ क्या कि उस विंटर में स्नो घट गई तो हमारा जुजिला पास फर्स्ट वीक ऑफ मई में खुल गया। करेक्ट। तो पाकिस्तानी अभी पूरे तैयार भी नहीं, उन्होंने सोचा जून में खोलेगा आर्मी आएगी उसके बाद ये कुछ करेंगे, उतनी देर में फिर विंटर आ जाएगा और हम बैठे रह जाएंगे। और लेकिन लड़ाई जब अगले साल जनरल अगर होगा भी तो अगले साल होगा, तब तक हम और 15 मई तक 56 माउंटेन ब्रिगेड वैली से आके वहां बैठ गई थी द्रास में, क्योंकि जुजिला खोल दिया था फर्स्ट वीक ऑफ मई में। तो ये बहुत उनके खिलाफ गया कि जो वेदर गॉड्स हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। राइट नाउ आपका ये सवाल कि इनका ये जो अंदर आना शुरू किया ये कब हुआ? हाँ कब हुआ, कब उन्होंने आपके अंदाज से, आपने देखा तो लेटर्स भी हैं डॉक्यूमेंट्स भी हैं, व्हाट डू यू नहीं फील मैं ये इन्होंने आई कब। विल कोट, मैं डॉक्यूमेंट्स कोट करके आपको बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, पहले मैं कोट करूंगा जो किताबें लिखी हैं, बड़ी डीप किताबें, नसीम जहरा ने और कर्नल अशफाक खान अच्छा जो बहुत सीनियर ऑफिसर थे आईएसआई में और वो मुशर्रफ के साथ चलते थे। उनके मुताबिक अक्टूबर 98 में रेकी शुरू हो गई थी और एफसीएनए कमांडर मेजर जनरल जावेद हुसैन, वो थोड़ा सा डेयरिंग भी था, उसने हेलीकॉप्टर लेके एलसी क्रॉस करके रेकी करी अक्टूबर 98, खुद खुद अंदर आया और क्रेकी करके अंदर गया। आया। उसके बाद ये वायलेशंस हमने नहीं पकड़ी, आपको क्या यही आइडिया, तो हमें मैं नहीं यही पकड़ी। कह रहा हूं, हमारी निगरानी नहीं। देखो उन्होंने 140 पोस्टें एस्टैब्लिश करी, कारगिल बटालिक तुरतुक चोर बटला साउथ सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर तक, एंड दे डिड नॉट वर्चुअली नॉट वन इंडियन सोल्जर वॉज देयर टू अपोज देम। और ये हालात बता ही रहे आपको, क्योंकि हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड कह रहे हैं, हमें तो मई में पता चला, हमारी ऑफिशियल रिकॉर्ड है क्या कह रहा है कि हमें मई में, मई 3 को पता लगा पहले बटालिक में, हमारा हमारे आर्मी ने कहा है। तो अब ये देखिए ना कितनी बात ये गहरी है और बड़ी सोचने वाली बात है कि दिसंबर 98 में
सिक्स एनएलआई के एंड 12 एनएलआई की जो टीम थी वो अंदर आनी शुरू होगी। और ये करण अशफाक खान की किताब में लिखा है, पढ़ ली, एनीबडी कैन रीड इट। उन्होंने ओके नाम दिए हैं, ये भी बताया कहां कहां है। अब और हैरान बात देखिए, जब हमारे 12 महार ने, हमारी 12 महार पलटन है बड़ी अच्छी, मशकों में जब लड़ रही थी, जब उन्होंने पाकिस्तानियों को मार के फेंक दिया और भागे, तो एक पोस्ट में मशकों में उन्हें एक डायरी मिली, 12 NLI का 12 NNI का ऑफिसर था पाकिस्तानी, कैप्टन हुसैन अहमद। कैप्टन हुसैन अहमद ने अपनी डायरी में लिखा कि 28 मार्च 1999 को जनरल मुशर्रफ हमारी पोस्ट पर आए, बॉय गॉड, जकिया अच्छा पोस्ट जिसे कहते थे, 0.125 नाम रखा था कोड, 0.125 जकिया, जकारिया पोस्ट। जनरल मुशर्रफ आए, रात रही इन इंडियन टेरिटरी, इन इंडियन टेरिटरी, 11 किलोमीटर्स अक्रॉस, और हमें खबर नहीं। 8,000 रुपए दिए हमें, हमारे सिपाहियों में डिस्ट्रीब्यूट किए, अवार्ड अवार्ड के तो, अच्छा राइट, और कहा कि जो इंडिया ने हमारे पर सियाचिन में किया था आज हम बदला ले रहे हैं उसका, राइट। अब आप सुनिए, वो डायरी इंडिया के पास रिकॉर्ड में बैठी हुई है और उस डायरी के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन इट इज ऑन द रिकॉर्ड। और 12 महार के कमांडिंग ऑफिसर जो थे उस टाइम, उनसे भी मैंने बात करी, उन्होंने आप डायरी वो पकड़ी थी, कर्नल एस चीमा थे उनके देन कमांडिंग ऑफिसर। और आप ये देखिए कि कर्नल अशफाक खान ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि 13 मार्च को उससे पहले FCNA कमांडर मेजर जनरल जावेद हुसैन हेलीकॉप्टर लेके LC क्रॉस करके 12 NLI की, जहां उन्होंने पोस्टें सेटअप करी थी हमारे साइड पर टेरिटरी में, वहां आके इंस्पेक्शन करी है, पूरा फीडबैक ली है। 26 मार्च को FCNA कमांडर, उनके ब्रिग आटी कमांडर, 80 ब्रिगेड महमूद असलम, 3-4 ऑफिसर्स लेके वो फिर आया। 29 मार्च को जनरल मुशर्रफ जब अंदर आए हैं, उनके साथ उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, GOC 10 कोर जनरल मसूद असलम, कमांडर 80 ब्रिगेड जो उनको रिसीव कर रहे हैं वहां। वाह, दिस इज अनबिलीवेबल। और 12 महार ने आपको पता क्या ढूंढा? किसी को यह बात नहीं पता, 12 महार ने जब पाकिस्तानी रिट्रीट कर रहे थे जुलाई के महीने में, एट वन पॉइंट हमारी टेरिटरी के अंदर 83 जेरी कैंस ऑफ एविएशन फ्यूल, 83 जेरी कैंस। पर एविएशन फ्यूल मींस वहां हेलीपैड है और हेलीकॉप्टर के लिए है, ये एविएशन फ्यूल को इस स्लो में नहीं चलाता है। यस, हेलीकॉप्टर पैड था। So, ये थी पाकिस्तान की हरकत। और उन्होंने ये देखा, जो मैंने उनकी किताबों में और उनकी जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने कोट किए, कि जब उन्होंने अंदर आना शुरू किया जैसे बटालिक में, तो जब वो बटालिक में अंदर आना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा तो सारा एरिया खाली खाली पड़ा। तो जैसे उनको ऑर्डर मिले होंगे, आपने यहां बटालिक में 20 पोस्टें बनानी है, जब देखा कि सारा एरिया खाला, उन्होंने कहा और भी पोस्टें बनाओ, तो और पोस्टें उन्होंने शुरू कर दी। 20 से कहां आगे निकल गए, क्योंकि सारा एरिया खाली पड़ा था, वो इनको रोकने के लिए नहीं था। लेकिन इसका डिसएडवांटेज होगा, इतना प्लान नहीं था, बट उनको लगा मौका है, चलो हर एक कोई वो बन गया क्या कहते हैं रॉकस्टार, के चलो हम भी कैप्चर कर लेते हैं, हम भी कैप्चर कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। पाकिस्तानी मोरल बहुत हाई था उस टाइम, मस्ट बी, आई कैन इमेजिन। और हमने अगर पूरा एरिया एरिया कैप्चर कर लिया हमने, और उसी दौरान शायद उन्होंने एलएलआई का अलाउंसेस वगैरह भी कुछ बढ़ाए थे,
कुछ उनको और एंकरेज करने के लिए कि एरियाज में ऑपरेट करने के लिए? नहीं वो आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट कि उन्होंने क्या अलाउंस में किया था, बट उनको एक स्पेशल अलाउंस मिलती थी जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड एनएलआई बटालियन थी। तो जैसे हमने एक पकड़ा था प्रिजनर ऑफ वॉर बटालिक में इनायत अली, आई थिंक वो 5 NLI का था। तो जब उसकी ब्रिगेडियर दुविंदर जो कमांडर थे 70 ब्रिगेड और ब्रिगेड मेजर मेजर इंदिरा बालन ने इंटरोगेट किया इंदिरा इंदर बालन, हाँ जनरल इंदर बालन ने, बालन। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी तो रिटायरमेंट पास आ रही थी लेकिन मुझे ये ऑफर आई कि यार तू स्पेशल अलाउंस ले ले और फॉरवर्ड डिप्लॉय हो जा, अच्छा तो मुझे एक स्पेशल अलाउंस मिलती है फॉर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट। तो मैं फिर पलटन के साथ यहां पहुंच गया, तो उसको पकड़ लिया था हमने। वो भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके साथी मार मूव किए थे हमने, तो वो 12 जैकलाइन ने पकड़ा था ये 4812 पर, जब बहुत जबरदस्त क्लिफर्ड नॉन्ग्रम वाला एक्शन हुआ है जब MVC ट्वेल्व इन्होंने किया जैकलाई था। के साथ आपका भी एक्सपीरियंस रहा है ना? यू ऑल्सो, आप भी जो ना, अब क्या करेंगे, अब मैं आपका आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं। जब लड़ाई छिड़ गई, कैसे, कब शुरू हुई? 26 मई के आसपास क्लियर हो गया कि अब वी डिक्लेयर ऑफ विजय। कब डिक्लेयर किया हमने कि भाई अभी तुरतुक बटालिक में भी लड़ाई होगी और द्रास कारगिल में भी होगी? सी मई 26 को हमारी एयर ऑपरेशंस ऑफ सफेद सागर जिसे कहते ऑफ हैं, सफेद सागर, हाँ, जिसमें हमने फाइटर वो जेट्स कमेंस यूज हुआ, किए। वो मैंने हाँ देखा उस दिन। पहले दिन जो अटैक किया है हमारे एयरफोर्स में, मैं द्रास में था तो उन्होंने ऊपर ऊपर से फायर मार के बॉम्ब्स फेंक के निकल गए थे। लेकिन एयर ऑपरेशंस में एक बड़ी विचित्र बात जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझना चाहिए कि जो हमारा पॉलिटिकल डायरेक्टिव था कि हमने LOC नहीं क्रॉस करना, इस पर हाँ बहुत सवाल उठे हैं, बहुत सवाल उठे हैं। अब तो बहुत सवाल उठे, तब तो रोज ही होता था, क्योंकि हम लोग तो तैयार थे बिल्कुल बाकी जगह ये जाने के प्रॉब्लम लिए। ये आई इसमें एयरफोर्स को, आर्मी को तो बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि आर्मी का ऑप्शन था अगर आपको ऑर्डर मिलते LOC क्रॉस करने के लिए तो LOC क्रॉस करके हम उनकी सप्लाई लाइन पीछे से काट देते। एग्जैक्टली, पर हाँ एयरफोर्स को भी प्रॉब्लम थी, एयरफोर्स को ये प्रॉब्लम थी कि द्रास और मशको सेक्टर फॉर एग्जांपल जो हमारी रिज लाइंस हैं, रिजेस हैं, वो रन करती है नॉर्थ साउथ, राइट। पाकिस्तानी की जो पोस्टें थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस थी, लेकिन अगर हम नॉर्थ साउथ फ्लाई करेंगे तो LC क्रॉस करनी पड़ेगी हमें। तो हमारे एयरफोर्स की जो फाइटर थे, लड़ाकू विमान थे, वो ईस्ट वेस्ट फ्लाई करना पड़ा उन्हें, कटिंग अक्रॉस द रिज नॉट डाउन द रिज। तो उनकी जो इफेक्टिव बॉम्बिंग और स्ट्रेफिंग थी जो मशीन गन के साथ फायर करते हैं वो इफेक्टिव बहुत घट हुई, मींस उसकी एफिकेसी और थोड़ी कोई घट हुई। शायद इस चीज के लिए कभी एयरफोर्स ने, मतलब हमने कभी ट्रेनिंग भी नहीं करी हाई एल्टीट्यूड में, इस टाइप के, उसके लिए कभी अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा इस एरियाज में हमारे को नहीं, एयरफोर्स। ये आप ये बात सिर्फ एयरफोर्स की नहीं, देर वॉज नो ओरिएंटेशन फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशंस इन हाई ऑल्टीट्यूड फॉर आइदर द आर्मी और द एयरफोर्स। सियाचिन में होती थी पर सियाचिन वॉज पोस्ट टू पोस्ट, पोस्ट टू पोस्ट, ये यस। पोस्ट है उसको जाके तोड़ देना, जैसे बाना सिंह वाली वो जो 1987 की बड़ी ऑपरेशन है। हाँ पर ऑफेंसिव ऑपरेशंस इन हाई ऑल्टीट्यूड फॉर एयरफोर्स एंड आर्मी कोई ओरिएंटेशन नहीं, कोई ट्रेनिंग ही नहीं। तो जब हमारे वीर जवान जो बेचारे जब वैली से आ रहे हैं जहां सियाचिन में जहां डिफरेंट काइंड ऑफ वॉरफेयर है, पोस्ट को अटैक करना है, उनको भेज दिया जी आप चढ़ जाओ करेक्ट, चढ़ देयर नो जाओ टाइम फॉर एक्लिमेटाइजेशन, नो टाइम फॉर ट्रेनिंग, नो टाइम फॉर इक्विपमेंट। ऊपर इक्विपमेंट। अब मैं आपको अब कहानी सुनाना चाहूंगा दुर्ग नारायण श्रेष्ठ की। 111 जी, हाँ। उससे पहले जरा अभी मनोज पांडे का बताओ आप, क्योंकि आपने उसके बारे में लिखा मुझे, और ही इज सच अ वेल नोन नेम इन द इंडियन आर्मी, कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र, सैनिक स्कूल लखनऊ का बच्चा है वो। यू हैव अभी आपने रिसेंटली लिखा था उनके बारे में, तो विच एवर, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम यूनिट। मनोज पांडे जो थे बहुत ज्यादा डिजर्विंग परमवीर चक्र, एब्सोल्युटली, क्योंकि उनकी जो ऑपरेशंस रही हैं जो उन्होंने लीड करी हैं, मैं आपको इलाके नेम करता हूं। पहले
याल्डोर में, उसके बाद कुकरथांग में, उसके बाद जुब्बार में होल्डिंग ऑपरेशन, दोबारा यस उसके बाद 5203 में एज ऑल्सो सपोर्टिंग दी अजॉर्ट बाय 12 जैकलाई एंड 5 पैरा एंड लद्दाख, और मनोज को वहां भी भेजा। और उसके बाद हिज फाइनल मोमेंट्स एंड हिज फाइनेस्ट आर खालूबार रिज पर, बंकर एरिया जिसे कहते हैं, जिसमें उन्होंने 3 बंकर में डायरेक्ट चार्ज करके ग्रेनेड फेंक फेंक के, वो क्या करते थे कि ग्रेनेड फेंका बंकर में और जो मशीन गन MMG या UMG की बैरल बाहर आ रही है उसको खींच लेना। खींच ले। हमारे टिपिकल टैक्टिक होते थे बंकर बस्टिंग में, जैसे हम बंकर तोड़ते हैं कि हाँ, बंकर बस्टिंग एग्जैक्टली कि वो फ्रैंको और करेक्ट। हाँ वो मोरेस में से, बंकर में से मशीन गन का बाहर निकल रही है तो नीचे से जाके अंदर ग्रेनेड फेंक देना, बंदे मर जाते हैं, और जो मशीन गन है उसको हाथ से खींच लेना। खींच लेना। देखा मशीन गन पर हाथ, ऐसे आपने सांप पर हाथ डाल के खींच दिया। तो उन्होंने 3 बंकर ऐसे फाड़े, चौथे पर जब हमला करने गए तो उनको पूरा बर्स्ट जो कहते हैं ना उन पर पड़ा, और वहीं वो उनकी मौत हो गई। लेकिन जिन जो लोगों को ये बात नहीं पता, और ये बहुत पूरी कारगिल वॉर की एक समरी है कि गलत गलत भी क्या हुआ, ठीक भी क्या हुआ। ठीक भी क्या हुआ, सही जब बात वो था। कुकरथांग में मई के महीने में जब वो पहुंचे ही थे, मनोज जब पहुंचे ही थे अपनी पल्टन 111 गोरखा राइफल्स के साथ सियाचिन से, तो उनको ऑर्डर मिले कि आप कुकरथांग को अटैक करो और वहां से जो भी बंदे बैठे हैं उनको वहां से खत्म करो। खत्म करो, असॉल्ट करो उसको। हाँ अब मैंने जैसे अभी बताया कि उनकी पल्टन के पास बंदे ही बहुत घट थे, उनके पास इन्फेंट्री सपोर्ट वेपन ही नहीं थे, आर्टिलरी सपोर्ट नहीं थी, पीछे से हमारी तोपें आई नहीं थी, फायर नहीं ठीक से आ रहा था सपोर्ट में। तो मनोज ने और उनके जो देन कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल अमूल अस्थाना, हाँ आपने उन्होंने उनका अपने ऑफिशियटिंग सीओ थे लेफ्टिनेंट कर्नल अमूल ऑफिशियल अस्थाना। सीओ, उन्होंने अपने जो 70 ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर थे मेजर इंदिरा बालन, जो टैक्टिकल हेडक्वार्टर को लेके ही हैड स्टेज वेल फॉरवर्ड इन टू द बैटल फील्ड एट याल्डोर, रात 17 मई की रात को ये बात चलती है कि सर अगर हम आज अटैक करते हैं रात को, आगे हमारे आइस क्लिफ है, पूरी बर्फ की क्लिफ, 1.5 घंटा लगेगा उसको हमें ऊपर चढ़ने के लिए, और एक एक करके जो लोगों ने शिकार खेला है उनको पता है कि जब बतखें बैठी होती हैं तालाब में उसे कहते हैं सिटिंग डक्स, सिटिंग डक्स। हाँ एक एक करके आप वो बतख मारते हो, तो कहता सर एक एक करके हम सारे मर जाएं। तो इस पर हंगामा मच गया क्योंकि ऑर्डर आए थे आपने 17 मई और 18 मई की रात को अटैक करना ही करना, ये कोर हेडक्वार्टर से ऑर्डर था 15 कोर कमांडर का। तो ये समस्या पड़ गई वहां उनके अस्थाना भी कह रहा है, पांडे का भी फीडबैक ये है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अटैक नहीं करेंगे, कह रहे सर आज रात अटैक नहीं सक्सेसफुल होगा, 0% चांस ऑफ सक्सेस, इट इज सुइसाइडल इन नेचर। सुसाइड, हमारे 30 बंदे जो अटैक में जा रहे हैं उसमें सारे मर जाए, तो हम इसको कल रात कर लें, उसके बाद कर लें जब हमारी पल्टन स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी सपोर्ट भी आ जाएगी और बंदे भी आ जाएंगे, मोटर इनके पास सिर्फ 3 मोटर के शेल थे, जस्ट थ्री बाय। मोटर शेल्स। बट सीनियर ऑफिसर्स को ये बात बहुत बुरी लगी, वो कहते हैं यार तुम 5-6 वहां ये जिहादी बैठे हैं और तुम अटैक करने से ना कर रहे हो, तो अगर उनका ये कहने का मतलब कि आप तो आपकी डर रहे हो। लाते काम रही हैं। तो ब्रिगेडियर दविंदर सिंह जो थे 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर, उन्होंने कहा नहीं सर ऊपर कोर हेडक्वार्टर GOC 3 डिव 3 इन्फेंट्री जनरल बुधवार से भी उनकी रात को बात चल रही है रेडियो पर, तो कहते सर मैं इस अटैक को आज रात कॉल ऑफ कर रहा हूं और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, ओके। तो इसको मैं मानता हूं मॉरल करेज मॉरल करेज। एग्जैक्टली। के जो ठीक बात है वो हमने कहनी अंडर प्रेशर,
और इसीलिए यही सीनियर लीडरशिप में लोग देखना चाहते ये हैं। लीडरशिप है, और लीडरशिप ये भी है कि सीनियर ऑफिसर ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसने किसी को स्केप गोट नहीं बनाया, उसने कहा मैं, ब्रिगेड कमांडर ने कहा, ब्रिगेड देवेंद्र सिंह ने, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, लेकिन इसके रिपरकशंस बहुत है। पर इसमें यह बात अब साफ हो रही है कि जो हमारे जर्नैल थे ऊपर बैठे हैं, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर जनरल खन्ना थे, उनकी असेसमेंट थी कि ये 5-6 जिहादी से बैठे हैं हर चोटी पर, और इनको जाके तुम फायर करोगे भाग भूख जाएंगे। हाँ, शुरू जो में यही हमारे था कि शायद कुछ ज्यादा ये फायर फोर करेंगे, लेट भाग मी कंप्लीट, जाएंगे। लेट मी कंप्लीट, जो हमारे ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड थे, मींस जो हमारी पल्टन ग्राउंड पर फायर, एक्चुअली फायर पोजीशन में है, लड़ाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नो सर, ये जिहादी नहीं आए, ये बहुत तकड़ी फोर्स आई, और उन्होंने ये भी वर्ड यूज किए हैं कि सर इट इज कंपनी डिफेंडेड लोकेशन, पूरी मशीन गन लगी हुई है, हट नहीं रहे, पीछे से पाकिस्तान आर्टिलरी सपोर्ट आ रहा है उनके लिए, बिल्कुल टारगेटेड फायर हमारे पर पड़ रहा है। पर सीनियर ऑफिसर्स की जो बात थी और इनकी बात थी क्लैश कर रही थी। एक डिस्कनेक्ट था ग्राउंड में, सिचुएशन कुछ और थी जो लोग फेस कर रहे थे, और जो हायर हेडक्वार्टर में सिचुएशन थी वो शायद कुछ और थी। शुरू के दिनों में ये पहले 15-20 दिन तक फॉग ऑफ वॉर कह लो, या इसको मतलब करेक्ट रीडिंग ऑफ द बैटल में कहीं ना कहीं कमी थी, बट ये पिक्चर क्लियर कब हुई आपको लगता है कि 20-22 मई के आसपास, कि हाँ ये ऐसे भागेंगे नहीं, है ये कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटी है, इसमें पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर लोग हैं, और आर्टिलरी सपोर्ट तो उनका, आपने सही बात कही, उनका तो पूरे ओपी भी बैठाए हुए थे, तो NH-1 पे फायर करते थे, पिन पॉइंटेड फायर। शुरू की सारी कैजुअलिटी हमारी दुश्मन के आर्टी फायर से हुई है, 80% ऑफ कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड वर आर्टिफायर। आर्टी फायर। 80% जो लोग दोनों तरफ इस लड़ाई में मरे हैं वो आर्टिलरी फायर से मरे हैं, तो ये मत समझना कि स्मॉल आर्म्स फायर से बहुत कम लोग मरते हैं, इट इज आर्टिलरी तोपखाना, जो कि अगर अच्छा एक्यूरेट, अच्छा ओपी हो और अच्छा एक्यूरेट फायर हो तो फिर बहुत मुश्किल है, और खासतौर पर ऐसे एरियाज में। बट यहाँ फायर की मुश्किल भी तो थी ना, क्योंकि अगर चोटी पे बैठे हो, राउंड मिस कर गया तो कर गया, पता नहीं कहाँ जाएगा, और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। बोफोर्स को तो डायरेक्ट रोल में लेके गए, बिल्कुल टैंक के गोले की तरह यूज किया इन्होंने। आर्टिलरी में जब मोहन साहब दो प्रॉब्लम बड़ी सीरियस थी, एक तो हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड फायरिंग टेबल्स नहीं थे, क्योंकि आप ये इमेजिन करिए कि जब आप इतनी ऊंची 17-18 हज़ार फुट पर फायर मार रहे हो तो वहां एटमोस्फेरिक वेरिएशन बहुत होती है, बादल होते हैं, बारिश, मॉइस्चर होता है, विंड चलती है बड़ी, तो आपने आप टारगेट लेके मारा है, थोड़ी देर में ही वो विंड आएगी, दूसरा शेल आपका ऑफ टारगेट चले जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी स्पेशली इन बटालिक सेक्टर, क्योंकि हमारे लड़के जो थे वो नालों में थे, जो रिजेस के बीच में नाले हैं उसमें हमारे लड़के थे, अगर हमारा आर्टिक शेल जहां पाकिस्तानी बैठे मिस करता है तो वो जाके दूसरी साइड नाले में गिरता है, और अपने जो साथी हैं उनको खतरा पड़ता है, इसे कहते हैं फ्रेंडली फायर से नुकसान हाँ बढ़ बिल्कुल, जाता है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन हमने ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके, मींस आप ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी जिसको जो मुझे जो जब मैं गया वहां तो मुझे जो फौजियों ने बताया कि सर हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमने कभी हमें ट्रेनिंग स्कूल में बताया नहीं गया इस बारे, वही बैटल फील्ड मैन्यूअल नहीं हमें पढ़ाया गया इसमें जो हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट देता हूं जो हमारे ऑडियंस को बहुत ही समझ जाएंगे कि कितनी मुश्किल थी। संजय कुमार जी जो 13 जैक जम्मू कश्मीर राइफल्स के बड़े वीर जवान थे, राइफलमैन, उनको परमवीर चक्र मिला, तो जब मैं उन्हें मिला तो उन्होंने कहा कि सर सर हमें तो ये पता नहीं, इतना पहाड़ जो हमने चढ़ना होता है, कोई मैप भी नहीं, कोई रास्ता भी नहीं हमें बताया, हमें ऑर्डर मिलता है हम रात को चढ़ना है इसको, क्योंकि रात को ही चढ़ेंगे,
दिन में तो पाकिस्तानी हमें देख लेते और मार देंगे हमें। तो कहता सर जब हम रात को चढ़ते थे, चढ़ी जाना चढ़ी जाना चढ़ी जाना, जब सुबह पहुंचती थी तो हम नीचे देखते थे और हम कहते थे ओ यार हम कहां चढ़ गए। दिल घबराता था देख के कहां चढ़ गए। ये संजय कुमार जी ने मुझे बताया। और ये यूनिट तो 13 जैक को तो मैं बहुत अच्छे जानता हूं, इनकी तो एडवांस पार्टी पीस के लिए पहुंच चुकी थी, पीस इनको स्टेशन के मैं लिए एडवांस पार्टी ट्रेन चली गई थी, थर्टीन इनको जैक वहां से एक्चुअली रिकॉल किया गया। सोपोर में सोपोर के बाहर इनका डिप्लॉयमेंट थी। इनके साथ मैं ऑपरेशन में, जब पहला ऑपरेशन मैं आर्मी के साथ गया हूँ वो 13 जैक रिफ के साथ था, और उन गांव का नाम था गुंड ब्राट सोपोर अच्छा, के वैली बाहर के अंदर। ओके। वैली के अंदर। तो मैं श्रीनगर को रात को 2 बजे चला था श्रीनगर से, उस जमाने में बिल्कुल खाली थी रोड श्रीनगर टू हाँ। बारामूला वाली। और मैं सुबह आई थिंक 3:30-4 बजे इनके 13 जैक राइफल्स के हेडक्वार्टर पर पहुंचा। फिर वो मुझे ऑपरेशन में ले गए गुंड ब्राट में, जहाँ ऑपरेशनल कमांडर थे उस टाइम मेजर एस विजय भास्कर, जिन्होंने कारगिल में उनको वीर चक्र मिला अब मैं अच्छे डीआरसी। जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ भास्कर को, एक बड़ा वीर चक्र, रिटायर हो गया अभी एज अ अभी अभी ब्रिगेडियर। रिटायर हुए हैं। हाँ, वे भी रिटायर है, वेरी ब्रेव सोल्जर। तो चलो हम पर्सनालिटीज पे नहीं जाएंगे विक्रमजीत, अब मैं आपसे दो तीन चीजें जानना चाहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट हु सॉ द वॉर। एक तो आप इकलौते थे जो कि इस हाइट्स पे, आप 18 गढ़वाल के साथ गए, आप 111 GR के साथ, और आप 12 जैक लाइफ, अपने 12 जैक लाइफ। है 12 जैकलाइन, 12 जैकलाइन के साथ, तो कुछ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जब आप फायर में थे और तब जवानों का, ऑफिसर्स का क्या हौसला था, उसके बारे में थोड़ा मुझे डिस्क्राइब करो, योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अंडर फायर। देखिए जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो जो जर्नलिस्ट को अलाउ जब किया तो आर्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो जिस तो सारे जर्नलिस्ट थे, आप कोई भी जर्नलिस्ट का नाम ले लो, वो सारे जो जो वैली जिसे कहते हैं, जैसे द्रास वैली है 9,000-10,000 फुट की, या मशको वैली है, या इंडस वैली है 9,000-10,000 फुट की, वहां तक उनको परमिशन थी जाने की। अब जो जंग था वो 15,000 फुट के ऊपर था, मींस आप डिफरेंस देखिए, वैली 9,000 फुट और रिज लाइन 15,000 फुट से लेके 19,000 फुट तक, और जहां लाइफ ही चेंज है, एल्टीट्यूड का सब कुछ चेंज हो जाता है, 9,000 के 9,000, फिर 12,000, फिर 14,000, ये वो है डेटम लाइन है। किसी को वो जर्नलिस्ट को वो वैली से बाहर निकल नहीं देते थे। इनफैक्ट जर्नलिस्ट को ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर नहीं आने देते थे, पर बिकॉज मैं वैली में, मैंने अपनी जान इतनी बारी रिस्क करके फौज के साथ मैं इतनी ऑपरेशंस में गया हूं, और कोर कमांडर साहब जनरल कृष्ण पाल बहुत अप्रिशिएट करते थे कि विक्रम यू गो विद द ट्रुप्स, आपको कोई हिचकिचाते नहीं हो। तो मैंने उनको कहा, मैंने बोला जनरल पाल मैं, कारगिल का युद्ध शुरू हो गया, मैं दूसरे जर्नलिस्ट के जैसे नीचे नहीं रहूंगा वैली में, आई वॉन्ट टू बी विद योर ट्रुप्स। तो वो मेरी बात मान गए, उन्होंने 2 बारी मेरी परमिशन आर्मी हेडक्वार्टर से लेके मुझे परमिशन दी कि आप जहां जंग चल रहा है 16,000 जाओ फुट पर आप पहुंच जाओ। तो पहली बारी मैं गया 18 गढ़वाल राइफल्स के साथ अप द तोलोलिंग नाला टू एरिया काला पत्थर ऑन दी LOC ऑन July 1, 1999। अच्छा, 1 जुलाई 1999, अब तो लड़ाई बिल्कुल 99 शुरू ही हुई थी। हाँ, वो मेजर बैटल्स अब सारी शुरू हो रही थी। तो हम चढ़ने लगे सुबह 6 बजे, हमने क्लाइंब शुरू करी। मेरे जो लीडर पार्टी थी, जो मेरा लीडर था पेट्रोल का, मेजर KN शर्मा थे 18 गार्ड वाल राइफल्स के क्वार्टर मास्टर एंड रेजिमेंटल कमीशन ऑफिसर थे। तो अच्छा, वो उनकी ड्यूटी लगी थी कि विक्रम को लेकर जाना है तूने CO साहब के पास जो काला पत्थर पर थे। तो जब हम चढ़ने लगे तो पहले तो मैंने देखा जैसे हम तोलोलिंग नाला के ऊपर चढ़ रहे हैं तो जो Mi-26 पाकिस्तान ने स्टिंगर मिसाइल के साथ गिराया था, पहले तो वो रैकेज हमने पार किया। पहला जर्नलिस्ट था जो मैंने, बिल्कुल ये मेरे साथ साथ पड़ा हुआ था, पहले अच्छा, तो हमने वो देखा। और कैमरा नहीं मुझे दिया उन्होंने, कैमरा मेरे मेरे हाथ में नहीं उन्होंने छोड़ा, कैमरा
कैमरा ऑफिसर ने रखा अपने पास कि विक्रम को कैमरा नहीं देना कि ऐसी कोई गलत फोटो ले ले जो बाद में हमें प्रॉब्लम पड़ेगी। अच्छा तो अच्छा आई वॉज ओके नॉट गिवन द कैमरा, वो उन्होंने अपने पास रखा। तो जैसे ही हम चढ़ते गए तो बिल्कुल स्टीप क्लाइंब थी, तो एक जगह आई जो 10 या 12 फुट की चौड़ाई की एक स्ट्रीम बहुत तेज नीचे जा रही थी, स्नो मेल्ट की। अब उसको हम पार कैसे करें? फॉर्चुनेटली हमारे पास वो सिग्नल्स के बंदे थे जिनके पास एल्यूमिनियम लैडर था, वो जो कलेप्सिबल जाता, तो उन्होंने उस पर रोप लगा के एल्यूमिनियम लैडर को फेंका अक्रॉस, और वो एल्यूमिनियम लैडर स्ट्रीम के ऊपर, बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल नीचे हजारों फुट स्ट्रीम गिर रही है, और उसके ऊपर इन्होंने एल्यूमिनियम लैडर को पत्थरों में फेंक के वो रोप को पता नहीं कैसे फिक्स किया। और फिर हम चार, जैसे मेंढक जाता है, मेंढक जाता है, वो हमने वो लैडर पर पार किया स्ट्रीम को। जैसे अब उसके आगे जब हम चढ़े तो हम पाकिस्तानी ओपी के बिल्कुल फ्रंटल व्यू में आ गए। और मैं बड़े ओके विचित्र बात बताता हूं आपको, मैंने पहनी हुई थी एक शर्ट, वो ग्रीन और रेड चेक्स की थी, मुझे बड़ी पसंद अच्छा थी तो मैंने वो पहनी हुई थी। तो वो जैसे हम आए तो हमारे पर शेलिंग शुरू। तो मेजर शर्मा ने कहा कि सर ऐसे करो, शर्ट के ऊपर कुछ पहनो, वो सोचते हैं कोई वीआईपी आ रहा है, और हमें अच्छा एक्स्ट्रा ओके डोज हाँ में एक्स्ट्रा डोज ऑफ शेलिंग मिल रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पर फायर करने लगे एयर बर्स्ट आर्टिलरी। और आपके ऑडियंस को ये थोड़ी डिस्टिंक्शन, हम समझते हैं कि जो गोला होता है तोपों का, वो जब जमीन पर लगता है तो वो फटता है और घायल होकर मर जाते हैं, पर ये जो गोले होते हैं एयर बर्स्ट जिसे कहते हैं, मींस एयर, ये हमारे ऊपर हवा में फटके और नीचे मारते हैं, वो जो छर्रे शेलिंग छर्रे की तरह जाते हैं ये, अक्षर की और तरह। कई ऑमलेट बन जाते हैं। हाँ, ये हाँ, बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये मारना शुरू किया। अब मेजर केएन शर्मा जो मेरे जो कमांडर थे पेट्रोल के, 15 लोग थे हम पेट्रोल में, वो बहुत एस्क्यूट आदमी थे, उनको पूरी ट्रेनिंग थी। तो वो क्या कर रहे थे, वो मेरे को अपने, उन्होंने एक तो मेरे को अपने साथ रखा कि विक्रम तूने हटना नहीं मेरे साथ, और वो जैसे ही वो पाकिस्तानी हमें देख के अपना फायर करेक्ट करते थे कि यहां गोला पड़ा है इनको लगा नहीं, अब 10 गज राइट पर मारो, तो वो क्या करते थे, हमारे को एंटिसिपेट करते थे कि अभी ये पाकिस्तानी 10 गज राइट मारेंगे तो हमें को दूसरी साइड ले जाते थे। तो फॉर 45 मिनट्स वी वर अंडर कंटिन्यूस शेलिंग फ्रॉम दी पाकिस्तान, और कैसे हम बचे हैं आई डोंट नो, क्योंकि कोई पत्थर के नीचे छप रहा है, कोई हमने पहाड़ की आड़ लेके हम उसकी शैडो में खड़े हो रहे हैं, और धौड़ धौड़ कभी यहां गिर रहा है कभी सिर के ऊपर गिर रहा है। एनीवे, वो जब शेलिंग थोड़ी एब हुई तो हम निकल के हमने साइड का रास्ता लेके फिर हम चढ़ने लगे। अभी देखो हम 6 बजे से चल रहे हैं, और मुझे इन्होंने पर पहना दी थी बुलेट प्रूफ पटका, ये पटका जो होता है, और जैकेट, हाँ, और ये बहुत हैवी थी, 16 किलो का अरे टोटल वेट। हाँ तो जब हम कोई 5 बजे शाम हुई तो मैं कोई आई थिंक 15,000 फुट तक हम पहुंच गए थे, बिल्कुल एलसी के पास से। तो तब मेरे को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस शुरू हो गई, ओके और मैं उसके बाद बहुत स्लोली चलने लगा। तब हमारे जवान इतने प्यारे हैं, इतने दिल इनका महान है, कि वो थोड़ा बहुत खाना ऊपर आ रहा था सप्लाई में, और खाना क्या था, पूड़ी थी और आलू की तरी जो थी वो ठंडी हो के ना वो जम गई बिल्कुल थी, जमी जम जाती है। पूरी तो भी, पूरी का भी क्या पछता पूरी है, का जमी हुई कुछ पूरी नहीं। का। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर पहले आप खाइए फिर हम खाएंगे। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे हम इकट्ठे खाएंगे, हम सारे इकट्ठे। नहीं सर, पहले आप हमारे बहुत अजीज रिस्पेक्टेड मेहमान हैं, आप इतनी कोशिश करके हमारे साथ आए हैं हमारी को कवरेज देने के लिए, आप पहले खाइए। तो उन्होंने बेचारों ने पहले मुझे खिलाया, मुझे पानी पिलाया, और मैंने थोड़ा थोड़ा खाया क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड सिग में खाया भी नहीं जाता। खाया भी जाता तो है। अब रात पड़ रही थी, अब सीओ साहब जहां बैठे थे वो 1 मोर किलोमीटर और क्लाइंब थी, क्योंकि वी हैड टू गो डाउन वन वैली एंड देन हाँ अगेन क्लाइंब अ रिज टू रीच सीओज लोकेशन। कर्नल एस के चक्रवर्ती थे, समीर चक्रवर्ती, ओ आई नो हिम। अच्छा जो हाँ चैक्स, जिसे चैक्स उनका नाम हाँ हाँ चैक्स। ठीक है।
तो बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, तो वी आई सेड मैं इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि आई विल होल्ड अप एवरीबॉडी। तो मैं फिर सीओ साहब के ऑर्डर आए मेजर शर्मा को कि आप इनको नीचे ले जाओ, ये तो बहुत खतरा पड़ जाएगा। तो उस दिन मैं नीचे आ गया फिर ये इस एक्सपीरियंस के बाद। 7 जुलाई को, 7 जुलाई को मैं सुबह श्रीनगर में बैठा तो फोन खड़का, जो लैंडलाइन फोन होती है, तो फोन पर थे ब्रिगेडियर अरुण चोपड़ा, बीजीएस जो थे। ब्रिगेडियर टू द जनरल स्टाफ। तो कहते विक्रम तुम्हें जाना ऊपर फिर? मैंने बोला मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, ऊपर क्या मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा, आप चांस तो। कहते ठीक है आप तैयार हो, फटाफट कोर हेडक्वार्टर आइए, हेलीकॉप्टर तैयार है, इट विल फ्लाई यू टू बटालिक, फिर बटालिक से आपने चढ़ना है टू 4812, जहां आपने पाकिस्तानी सोल्जर जो हमारे मारे हुए हैं उनकी जो बॉडीज पड़ी हैं, पाकिस्तान उन बॉडीज को वापस नहीं ले रहा, हम वहां उनका बरियल कर रहे हैं, वी वुड लाइक यू टू गो विटनेस इट, के दुनिया को बताओ कि एक रिपोर्टर ने देखा, ये इंडियन आर्मी नहीं कह रही, ये रिपोर्टर ने देखा है कि पूरी इज्जत से उनको बरी करके पूरे राइट, मुस्लिम राइट्स जो होते हैं उनसे करें, और आप आके रिपोर्ट करिए। मैंने बोला ठीक है जी, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ कोर हेडक्वार्टर। मैं तैयार हुआ, अपनी मैंने वो टी शर्ट सी पहनी और अपनी वो पतलून पहनी और अपने शूज जो मेरे खेलने वाले होते हैं, क्योंकि मैं स्क्वाश खेलता था, मेरे वो शूज होते थे, तो मैंने वो पहने और मैं पहुंच गया। तो मैंने भी वहां पहुंचा, फिर मैं देन आई क्लाइम टू 4812 फ्रॉम गनर सॉक बैटल जोन में, जहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर से। अब प्रॉब्लम क्या थी, मैंने एक तो चीज इंटेलिजेंटली ये करी कि मैंने बोला मैं अब बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट नहीं पहनूंगा क्योंकि बहुत भार होता है, आई कांट क्लाइंब। तो विदाउट एक्लेमेटाइजेशन आई क्लाइंब और मैं 4812 पहुंच गया, विच इज 15,700 फीट। और और ऐसी वहां वहां आपने बरियल देखा, आपने कितने बरियल सोल्जर्स देख, थे पाकिस्तान के, कितने वहां सोल्जर्स थे तेरह सोल्जर्स की बॉडी थी, जो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम नहीं ले रहे हैं, हम वी नहीं डोंट लेंगे, वो वांट बेचारे देम। हो, मैंने उनकी और ये चिट्ठियां सारे पूछी, एनएलआई के सोल्जर्स थे, सारे एनएलआई के, सारे इनकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह थी? फाइव फाइव एनएलआई के, अच्छा, 5th NLI बटालियन के थे। फिफ्थ फाइव एंड एट एनएलआई वर मेन बटालियंस ऑफ बटालिक इंट्रूजन, जो बटालिक में ओके आई हैं ओके हाँ वो मेन फाइव एंड एट एनएलआई के एलिमेंट्स थे, बाद में 19FF ये और सारी आजाद रेजिमेंट के भी एलिमेंट्स आए। एनीवे सो उसके बाद जब मैंने वो सेरेमनी विटनेस करी, तो हमें रात को जाना था सीओ के लोकेशन पर, कमांडिंग ऑफिसर कर्न विलोटिया थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भी विक्रम आप ये जो क्लिफ, जिसे क्लिफ कहते हैं आप हिंदी में, हम जो बिल्कुल ऐसी होती है परपेंडिकुलर, अब इसके ऊपर चलना है हमने टेंट, टेंट जहां हम रात रहेंगे। अब इनको तो देवर यूज टू इट, अब मेरे को जब इन्होंने चढ़ाया तो जगह क्लिफ पर इतनी गढ़ थी कि एक जूता रख सकता था मैं, फिर दूसरा जूते को मैं क्रॉस करके रखा। पाकिस्तानी कुकरथांग पर बैठे थे, वो हमें देख रहे थे। तो मुझे जो मेरे साथ आदमी था सुबेदार करण सिंह, बड़ा दिलचस्प आदमी था, कहता है सर ऐसे करना जब गोले गिरेंगे ना तो एक काम करना, सिर जरूर बचा लेना, क्योंकि अगर आपके सिर को कुछ होगा तो फिर हम आपका कुछ नहीं कर सकते, अगर आपकी टांग उड़ गई तो कोई बात नहीं, दूसरी टांग आपको फिट करवा देंगे बाद में। अरे, ये कौन से रेड के थे सुबेदार करण सिंह? ये 12 जैकलाई के, 12 जैकेट। आपने शायद ये ये दोनों चीजें आपने इंडियन एक्सप्रेस पे कवर भी की हैं। हाँ मैंने खबर थी, मैंने लिखा था पूरा कि करण हाँ सिंह ने कैसे बचाया मुझे, कैसे मुझे गाइड किया, क्योंकि वो कमांडिंग ऑफिसर के सिग्नल सूबेदार थे करण सिंह, उनके खास आदमी थे, हाँ बड़े ट्रस्टेड और वी बड़े हैव अ शानदार सिग्नल आदमी प्लेटून ना, और थे। जो पढ़ा लिखा और कोई जो इन्फेंट्री में जो थोड़े पढ़े लिखे वो ही सिग्नल में होते थे। हाँ तो उन्होंने सीओ साहब ने उनको मेरे साथ डिप्यूट किया और दो और सोल्जर्स के, कि विक्रम की आपने पूरी ये जो क्लिफ के साथ लेके जानी है। तो अब मैं, मेरे लिए इतना मुश्किल कि जैसे छिपकली दीवार को नहीं चिपकी थी वैसे मैं चिपका हूं, और ऐसे ऐसे चल रहा हूं, हाथ यहां जोड़े हुए हैं चिपकाए और एक पैर आगे फिर एक पैर, तो कभी कभी तो करण सिंह मेरे पैर को अंदर करे
पैर ना थोड़ा सा पैर गया तो मैं गया। फिर करण मुझे कहता है कि सर ऐसे है, फायर बहुत आ रहा है, हमें खतरा पर रात भी पड़ रही है, आप ऐसे करो मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। ओ भाई गॉड, और ये हम कहां दोनों के रहने अंग्रेज, वाले थे ये करण सिंह ये साहब? जम्मू जम्मू के हैं। अच्छा जम्मू के, ओके। आई तो होप मैंने बोला सर, वो देखें ये प्रोग्राम। तो मैं भेजूंगा उनको, मैं उनके आई एम इन हाँ टच विद हिम। ओके। तो मैंने बोला करण अगर मैं आपके कंधे पर चढ़ गया तो हम दोनों जाएंगे नीचे, क्योंकि उसमें बैलेंस इतना डेलिकेट था कि आप इतनी सी बैलेंस लूज करो, इतना सा बैलेंस, आपकी नर्व थोड़ी सी, आपने घबरा गए बस तो अपनी, अब मैं अपने आप को क्या सोच रहा हूं। मैंने बोला यार मैं गिर गया यहां से तो मेरी तो कुत्ते वाली मौत है, मेरी तो बॉडी भी नहीं मिलनी। मैंने बोला गोली लग जाए मर जाऊं कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट विद मी, बट ये वाली मौत तो बहुत बुरी है, गिर के यही मर डर जाऊं। लगता है विक्रमजीत, यही डर लगता है इंसर्जेंसी पे और इसमें, कि यार मरे तो कोई, मतलब गोली वोली लगी हो तो, मतलब कोई किल्ड इन एक्शन हो, मैंने शहीद हो बोला गए, वीर गति को प्राप्त हो मैं गए, पत्रकार हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरी बॉडी भी आर्मी लास्ट में रिकवर करेगी। बट तो मैंने कर्नल भलौटिया जो कमांडिंग ऑफिसर थे 12 जैक लेके, वो मेरे थोड़ी हाँ आगे थे और हंस रहे थे मेरे को देख के। तो मैंने बोला ऐसे करो मेरी ना विल लिख लो, मैंने ये कहा उन्हें, मैंने बोला मेरी विल लिख लो, घर पहुंचा देना, जो दो 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 चार चीजें हैं मेरी वो ठीक ठीक तब तक हाथ आपकी में। शादी हो गई थी विक्रमजीत, यू आर मैरिड? नहीं मेरी उस टाइम एंगेजमेंट हुई थी और मेरी जो मंगेतर थी वो चंडीगढ़ में थी, हिमानी उनका नाम था, तो वो बड़ी अच्छा घबराती थी। ओ तो फिर मैं उनको चिट्ठियां लिखता था बाद में। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 16,000 फुट पर जब मैं जाता था, जब जंग में गया था, जब मैं तोलोलिंग गया 18 गढ़वाल के साथ और यहाँ 12 जैकले के साथ, तो वहां 16,000 फुट पर ना वहां पेड़ तो है नहीं, लद्दाख में एरिया में छोटे छोटे फूल थे बड़े खूबसूरत, पीले रंग के, हाँ नीले रंग के, बहुत खूबसूरत। तो मैं वो फूल, मुझे फूलों का बहुत शौक है, मैं फूल उतार के अपनी पॉकेट में हाँ रख ये मैं लेता बता दूं कि अभी आप ज्यादा फोटो जो है नेचर की डालते हो आजकल, हूँ। हाँ आप वॉर रिपोर्टिंग कम करते हो और आजकल ज्यादा फोटो नेचर की और फूलों की और पशु पक्षियों की डालते हो। तो वो मैं फिर और मुझे जो जवान जो थे ना फायर के अंडर, वो कहते सर ये क्या कर रहे हो। मैंने बोला यार मेरी मंगेतर को भेजूंगा मैं, वो डरती पड़ी है तो उसका हौसला हो रहा था अगर मैं फूल भेज दूं उसे कि ठीक है सब, हौसला, बस इससे ज्यादा रोमांटिक चीज क्या हो सकती है कि आप 16,000 अच्छा। के वहां से आप यू आर सेंडिंग देम रोजेस और जो अब भी ये फूल सुनो का। हमारे जवानों का रिएक्शन, उनको भी रोमांटिक अपील हुई तो वो मुझे हेल्प करने लग जाते थे, वो भी लगाते थे छोटे फूल, सर ये लो ये हमने भी ढूंढा सर, आप ये रख लीजिए, फिर ये देखो विक्र कितनी स्वीट, ये ऑन द कितनी लाइटर नोट अच्छी। ना, मैं आपको ये बात बता दूं, हर व्यक्ति हर शख्स जो हथियार उठाता है ना, मैं तो ये बीइंग रोमांटिक और दिल से वो होना एक बहुत लाजमी चीज है। एवरी सोल्जर इज अ पोएट, एवरी सोल्जर इज रोमांटिक, एवरी सोल्जर लव्स पीस। यही मैं आपको फोन पे भी कह रहा था कि कहीं ना कहीं हम दिल के इतने पत्थर नहीं होते हैं जितना लोग समझते हैं, है ना? चलो ये एक बहुत लाइट हार्टेड बात हो गई आपकी। तो फिर क्या हुआ हिमानी जी का? तो मैं उनको फिर चिट्ठियां लंबी लिखता था फूल डाल के, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत लोगों, दूसरे लोगों को भी, मेरे रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार जो, क्योंकि मैं नई नई उस फैमिली को जानने लगा था, तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगा कि देखो हमारी बेटी के लिए इतनी अच्छे वो सेंटिमेंट से वो भेज रहा है जंग में से, क्योंकि उनकी साइड से फैमिली में कोई आर्मी में ऐसी कोई एक्सपीरियंस नहीं उनका, तो उनके लिए बहुत ही एक नई डिफरेंट चीज काइंड थी। ऑफ डिफरेंट चीज। तो एनीवे नो जो बरियल वाला जो आपने एक्सपीरियंस आपने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, हाँ जी वो मैं दिखाऊंगा भी अपने ऑडियंस को। और ये पहला बरियल था, उसके बाद दोबारा हुआ जो 13 जैकरिफ ने किया? हाँ, उसके बाद ये 7 जुलाई का बरियल था। हाँ, 7 जुलाई 1999 में जब हमने पाकिस्तान के सिपाहियों को इस्लामिक तरीके से उन पहाड़ियों पर उनको जो है खाक के सुपुर्द किया। आप ये सोचिए, ये कभी अपने मन में सोचिए, इमेजिन करिए के 16,000 फुट पर वो ऊंची चोटियां, हवा चलती इतनी ठंडी, बर्फ ही बर्फ, और वहां ये हमारे 12 जैकलाई के 15-20 जो जवान खड़े हैं सिर नीचे करके ऐसे,
हाँ, और उसमें और आधे तो हमारी नाजा बढ़ा जैकलाइट, जा रहा है। हाँ जैकलाइट इन्फेंट्री में तो सिख हिंदू और मुस्लिम बराबर मात्रा में। हाँ तो उनके जो मौलवी था, पलटन का ही मौलवी था, उसने जनाजा पूरा पढ़ा, पाकिस्तानी सोल्जर जो मरे थे बेचारे। और ये देखिए कि पाकिस्तान वहां जो कबर डिग करने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीन बहुत पत्थर है वहां। कौन मतलब जिस जो लड़ाई जंग में लड़ रहा है उसको कहना कि तुम किसी एक कब्र खोदो हाँ देखो, और ये पहले। देखो इसमें सेंस ऑफ आयरनी कितनी है कि जो पाकिस्तानी अपने साथ वो लेके आए थे ना, वो स्पेड्स और ये अपने संगर बनाने के लिए हाँ बंकर अपने बन, हम डिफेंस टूल कहते हैं उसको, हम फोर्टिफिकेशंस के लिए जो कहते हैं डिफेंस टूल, वही वही डिफेंस टूल। वही हाँ यूज करके हमने उनके कब्र बनाए। उनके कब्र बना, वाह क्या आयरनी, बेवकूफी भुगत रहे हैं सिपाही, और वो भी किसी ना किसी माँ के बच्चे हैं जो है, और शायद कल कुछ सालों के बाद शायद उनके कहीं कोई कहे कि यार हमें भी दिखा दो कहाँ हमारे तुमने पूर्वजों को दफनाया था वहां पे। चलो नहीं, देर इज नो सेंस ऑफ, देर इज नो सेंस ऑफ क्लोजर देयर इज नो फॉर द सेंस ऑफ क्लोजर, फैमिलीज, बिकॉज होगा भी दे नहीं। बॉडी उनके पास नहीं पहुंची। वो जाके कब्र पर फूल भी नहीं डाल फूल सकते, भी एक पोएम भी नहीं कह सकते, कोई जो कहते हैं प्रेयर्स भी नहीं कह सकते, देर इज नो क्लोजर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बहुत ही पॉइग्नेंट, बहुत ही इमोशनल जो कहानी है कारगिल वॉर की, जो बहुत किसी को नहीं इसके बारे इलम, कोई लिखा भी नहीं गया, ये हमारे गोरखा सोल्जर 111 गोरखा राइफल्स के दुर्ग नारायण श्रेष्ठा की। दुर्ग नारायण और ये श्रेष्ठ यथा। दुर्ग नारायण श्रेष्ठा जो थे, वही जो मनोज पांडे वाला कुकर थांग वाला जो असॉल्ट होना था, तो उसमें उनकी ड्यूटी थी कि आप मीडियम मशीन गन जो हमारी है, मीडियम मशीन गन होती है, उसका जो ट्राइपॉड होता है जिस पर हम सेट करके उसको फायर मारते हैं, उसको लेके आपने ऊपर पहुंचना है। अब प्रॉब्लम ये थी कि रात को हमारी जब पलटन चढ़ रही थी 111 वाले लड़के, अब रात को ना रास्ता पता ना कुछ, तो एक लड़का इस साइड, एक लड़का उस साइड, तीसरा लड़का कहीं और चढ़ गया, चौथा लड़का कहीं और चढ़ गया, और पाकिस्तान फायर मारी जा रहा है। तो जब दुर्ग नारायण श्रेष्ठा चढ़ रहे थे तो वो अपने साथियों से हो गए अलग, और उनको पड़ी गोली, वूंड हो गए। जब वो वूंड हो गए तो वो गिर गए। अब साथियों को पता नहीं रात को क्या रहा, वो तो अपनी जान बचा रहे हैं। जब अगले दिन देखा कि भी दुर्गनारायण तो मिसिंग है, ये कहाँ, मिला ही नहीं हमें इनको। चलो जंग तो चलनी है, चाहे तो जंग तो चलती रही। जब जुलाई में जंग खत्म हुआ तो ये दुर्गनारायण की बॉडी ढूंढने गए सारे गोरखे 111 गोरखा राइफल्स के, कि बॉडी तो ढूंढे। और बॉडी ढूंढने के लिए उन्होंने ये कहा कि देखने की कोई जरूरत नहीं, नाक से देखना, क्योंकि बॉडी बो मारनी शुरू करेगी तो उसका अच्छा कि आप गोल। बॉडी ढूंढो, अगर स्मेल आ जाए कहीं पे, हाँ, ह्यूमन बॉडी की स्मेल बड़ी डिस्टिंक्ट होती है, तो तो वो बो स्मेल आ से पता जाएगी चल कहीं। जाएगा, हाँ बो से पता चल जाएगा। देखो स्मेल जी, से। इन्होंने पूरा छान मार लिया, बॉडी नहीं मिली इसकी लड़ाई के बाद। लड़ाई के बाद। अब इसकी जो बीवी थी, ये नेपाली गोरखा था, इसकी बीवी कहती मैं तो मारने को तैयार नहीं कि ये मर गए। और अब ये देखिए कि जो इसकी कॉम्पनसेशन थी, जो आर्मी ने और गवर्नमेंट्स ने सारे ने इकट्ठे करके दी थी, वो कोई नेपाली करेंसी में कोई 60 लाख के पास बनती थी। उसकी बीवी ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं कि मैं लूंगी कॉम्पनसेशन नहीं, क्योंकि नहीं लूंगी, मैं लूंगी नहीं क्योंकि मुझे भरोसा नहीं। हाँ कि ये अलाइव है। क्या सोचती हो कि शायद के प्योर प्रिजनर ऑफ वॉर लेके पाकिस्तान ले गया, अभी पता लग जाएगा प्रिजन में उसको बंद किया हुआ है तो अलाइव, तो वो मानी नहीं। बड़ी कोशिशें हुई, फिर जो 111 गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर बन गए थे, अब अमूल अस्थाना सेम ऑफिसर जो 2IC थे, आफ्टर अच्छा वॉर ही सीओ बन गए। सीओ बन गए, तो वो फिर स्पेशली नेपाल गए लड़ाई के अपने बाद। सारे लड़कों को मिलने के लिए, और वो इनके घर गए, इनकी अच्छा दुर्ग नारायण की बीवी के घर, बड़े दूर दरार इलाके में था उनका घर, छोटा सा घर, दो छोटे छोटे बच्चे, देखो अकेली औरत दो छोटे छोटे बच्चे, और वो बिलीव नहीं करी कि मेरे पति
जंग में ही इज डाइड। तो सीओ साहब उनको जाके, अमोल उस्ताना अपनी बीवी भी ले गए और अपने दो बच्चे भी ले गए, अपील करी उनको कि बहन जी प्लीज मान ले लो। हाँ लीजिए, आपके दो छोटे बच्चे हैं, उनका देखभाल करना है आपने। बहुत देखो, जिंदगी बहुत लंबी होती है, जो विडो और उसके बच्चे रह गए हैं, जिंदगी बहुत लंबी है उनकी। पर कैन यू इमेजिन, ये 2000 की बात है, 1 ईयर आफ्टर कारगिल, शी रिफ्यूज्ड। शी रिफ्यूज्ड। ओके वापस तो सीओ साहब निराश होके वापस इंडिया आ गए, गिविंग अप के, अब तो मिलनी नहीं बॉडी या कुछ। अगले साल 2001 में वन बिहार, जो उस एरिया में थी, वन बिहार वो बड़ी फेमस पलटन है, हाँ बड़ी फेमस इस यूनिट है। हाँ बैटल ऑनर बटालिक, और जुबा रिज की जो पूरी सफाई करी, और थारू की, ये वन बिहार की अचीवमेंट थी। एम सर्वानंद जो मेजर, उनको बीआरसी भी मिला था। तो वो वहां उनका मैसेज आया कि हमें एक पिंजर मिला है, पिंजर स्केलेटन। स्केलेटन मिला। अच्छा तो जब उन्होंने 111, वन बिहार ने 111 गोरखा राइफल के सीओ से बात करी, तो उन्होंने ऐसे कहा कि स्केलेटन पर जूते तो होंगे, जूतों पर चेक करो कि एंकल के अंदर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर क्या है, क्योंकि जूतों पर नंबर होता है, हर जो इशू होता है फौजियों को नंबर होता है उस पर। उन्होंने नंबर कहा, चेक करा, वो नंबर वही था जो दुर्ग नारायण के जूते थे। फिर उन्होंने कहा दुर्ग नारायण के पास एक पिस्टल होगी, पिस्टल का नंबर चेक करो। दुर्ग नारायण के पास एक MMG का ट्राइपॉड होगा, उसका नंबर चेक करो। अच्छा ये सब इंटैक्ट था क्योंकि MMG वाले के पास पिस्टल होती है, क्योंकि पिस्टल, उसने ट्राइपॉड उठाना और एमिनेशन उठाना। तो हुआ क्या था, ये तीनों चीजें मैच करके नंबर, हुआ क्या था कि जब दुर्ग नारायण को गोली लगी, तो वो बहुत बड़ी बड़ी दो बोल्डर से, बहुत बड़े बड़े, उसके बीच में जाके उसने अपने आप को ड्रैग करके ना उसमें जाके वो छुप गया, और वहीं वो मर गया। मींस उसका मार्टिरडम होगी, वो ही डाइड, किल्ड इन एक्शन। पर उसकी बॉडी नहीं मिली, स्केलेटन मिला 2 साल के बाद। फिर इन्होंने क्या किया, दुर्नारायण की जो बीवी थी नेपाल में, जिनको मिलके आए थे, उनसे संपर्क किया, उनको ये बताया कि ये सारा मैच हो गया, स्केलेटन मिल गया, नंबर बिल्कुल मैच है, आपके पति की ही, पति की बॉडी नहीं स्केलेटन है। अब ये देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। तो उसने फिर परमिशन दी कि वहीं बैटलफील्ड में वन बिहार ने उसका स्केलेटन को दाह क्रिमेट किया, एंड देन शी एक्सेप्टेड दी कॉम्पनसेशन। देन आफ्टर 2 ईयर्स दिस वुमन एक्सेप्टेड दी कॉम्पनसेशन। उसकी देखो हौसला कितना है, कितना बिलीफ क्या है कि मेरा पति नहीं मर सकता, मैं पैसे नहीं लूंगी, कोई अमीर घराने के नहीं थी, ये वाह। हमारी फैमिलीज हैं, ये उनका हौसला है नहीं जिंदगी। बहुत बहुत ब्रेव, इसीलिए इनको वीर नारी कहा जाता है। और हर नारी जिसने अपना बच्चा या अपना पति लड़ाई में भेजा है और खो दिया है, वो तो खैर उससे बड़ी कोई ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती है। बट उनकी जो पीछे बच जाते हैं, क्योंकि जो देखो लड़ाई में तो गर्म खून है, और आपको पता ही है कि आपने देखा है जवानों का हौसला कैसा होता है जब फायरिंग चल रही होती है। 2 4 दिन के बाद तो बस यूनिट की इज्जत, फौज की इज्जत, देश की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो फैमिलीज पीछे रह जाती हैं उनकी वही बात आप वाली, बहुत लंबी जिंदगी है और कोई दिन गुजरता नहीं होगा जब वो उनको याद नहीं करती होंगी। देखो इनकी तो आदमी, तो फौज जवान जो है, अफसर है, उसकी तो गया, लेकिन जो बच्चे हैं, जो विधवा है, पूरी जिंदगी उसने साहस और करेज के साथ रहनी है। रहने अब एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, उसका उसका बाप फौज में है और जंग में उसका शहीद हो गया, तो वो बच्चा देखता है के दूसरे बच्चों को प्राइज मिल रहे हैं, तो उनके पिताजी उनके पास खड़े हैं, फोटो खींच रहे हैं अपने बच्चे को, मोमेंट ऑफ प्राइड कि मेरे बच्चे को प्राइड। पर इस बच्चा के
बच्चे का बाप नहीं देख रहा, वो देखता है पीछे, माँ माँ के आंख में आंसू, अकेली बैठी है। तो ये फैमिलीज, मैं कहता हूं जितनी भी आप इनकी प्रशंसा करो, जितनी भी हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनका हौसला बढ़ा सकते हैं, इनके दुख को हम दर्द कर सकते हैं, ये हमारे लिए, यही हमारी ड्यूटी है, क्योंकि इनकी लॉस बहुत ज्यादा। नहीं, एक बहुत बच्चे का आपने लॉस, एज आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस पार्ट। और कहीं ना कहीं विक्रमजीत, इस लड़ाई में भारत की विजय का जो श्रेय है, और जिस प्रकार से ये टेबल टर्न हुए, और जिस प्रकार से जो फिर सारी गलतियां माफ जो भी है ठीक है हो गया, उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से पूरा देश इकट्ठा होके लड़ा इसमें, हर घर का हर शहर में जैसे जैसे इन वीर योद्धाओं के बॉडीज पहुंचनी शुरू हुई देश में, आप अंदाजा, आपको पता है, और हम तो सर्विस में थे तब, हम तो देख रहे थे ये भी एक लेटर उस फेजेस के अंदर बहुत बड़ा जोश का कारण था कि यार देखो पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, हर डिस्ट्रिक्ट का, जिनको हम आज कहते हो फौजियों की परवाह ना करते हो, डीसी एसपी वगैरह ये भी खड़े होते थे जाके, ये भी रिसीव करते थे बॉडी को। तो एक एक पूरे दे, ये भारत की खासियत भी है कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और एक और चीज मैं आपका कमेंट चाहूंगा एज ए जर्नलिस्ट नाउ प्योरली, मैं तो ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ, गार्ड से, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, एक फौजी सिपाही का बच्चा हूँ, मेरे लिए तो सब मतलब कभी फौजी है वो फौजी है, बट आपने गढ़वाल देखा, जैकलाई देखी, जैकरिफ देखी, गुरखास देखी, जाट रेजिमेंट देखी, पंजाब देखी, और ऑल आर्म्स के देखे, आपको क्या लगता है कि आप क्या लेके आए हो वहां से लेसन ऑन ऑन दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी और द कल्चर ऑफ आर आर्मी, उसके बारे में आई वॉन्ट टू हियर यू। इसमें आई डोंट थिंक आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग न्यू, बिकॉज जो आप बातें करूं वो तो दोज आर एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ। क्योंकि हमारे जब जंग में जाते हैं, लड़ाई करते हैं, जब मैंने देखा जंग में, फॉर एग्जाम्पल 12 जैकलाई के, जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, उसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, तो जब जंग चलता है तो वो ये नहीं सोचते कि ये कौन है, मेरी जात क्या है, तेरी जात क्या है। गोली ने तो किसी की जात नहीं देखनी, गोली ने किसी, मैं अपने भगवान को प्रार्थना करता हूँ, वो अपने भगवान को करता है, तीसरा अपने भगवान, और इकट्ठे होके हम गोलियां का सामना करते हैं। और हमारे जवान में एक बिलीफ ये है, इसलिए वो प्रार्थना करके जाता है कि ऐसी गोली नहीं चलेगी जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ। इस बिलीफ को लेके हमारे जवानों ने वो चढ़ाइयां चढ़ी, जहां चढ़ाई चढ़ के चढ़ रहे हैं तो गोलियां इतनी पड़ रही है जैसे बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही इतनी गोली पड़ रही है, एंड आर्टिलरी फायरिंग जिसकी हम और शुरू में आर्टिलरी बात गोले कर पड़ रहे थे, रहे हैं, और लेकिन एक वो गोला कहता पड़ जाए नहीं। आर्टिलरी का, जहां जवान हो तो कुछ पता नहीं कितने चपेट में आ सकते हैं मैंने उसके। आपको शायद ये पता नहीं होगा, मैंने ड्यूरिंग कारगिल एक इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी लिखी थी, और ग्रेनेडियर दलीप सिंह, और ग्रेनेडियर दलीप सिंह को आई थिंक तोलोलिंग की लड़ाई में 4 गोलियां लगी थी, फोर 18 18 ग्रेनेडियर्स। आई थिंक 18 या 16, वन ऑफ देम का था वो। एक गोली उसकी आंख के नीचे से गई थी, एक कंधे में से गई थी, एक स्टमक में से, और एक कहीं और से, 4 गोलियां, और उसको लगे थे 14 घंटे बिफोर ही कुड गेट टू द फर्स्ट डॉक्टर, 14 घंटे, 4 गोलियों के साथ, एक आंख नीचे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मैंने पूरा उसका डिटेल किया था, 14 घंटे में पहला डॉक्टर, क्योंकि फायर इतना पड़ रहा था वो इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे उस हाइट से, ये जंग के शुरू में ही था आई थिंक फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ मई, तो वो इवैक्यूएट नीचे नहीं ला पा सकते, फायर बहुत पड़ रहा था। तो जब उनको आहिस्ता आहिस्ता वो, क्योंकि एक बॉडी, एक बंदे को नीचे लाने के लिए आपको 8 बंदे चाहिए, उसका बाय टर्न स्ट्रेचर में कैरी करेंगे ना उधर, पर उसमें इतना साहस था उस बंदे में कि वो सरवाइव करा। और ऐसे भी हमारे डॉक्टर थे जो बिल्कुल हमारी जंग में घुसे हुए थे, और डॉक्टर ने ये कहा था कि आप फिक्र ना करो, अगर आपको गोली लगी मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट दूर हूं,
तो इससे नहीं हमारे बोला हूँ, सोल्जर्स का मोराल बहुत होता है कि जो अगर हमारे हमें कहीं, आरएमओ होते हैं, रेजिमेंटल हाँ मेडिकल ऑफिसर्स, वो राइट सारी उम्र उस यूनिट के होते हैं, क्योंकि जो उनका पहला टेन्योर जिस यूनिट में, इन्फेंट्री यूनिट में रहता है, वो सारी उम्र मरते दम तक उस यूनिट के उस पे ग्रुप में रहते हैं और आते हैं। और ये जन साहब, ये इसमें हमें लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपने जवान जब लड़ाई में जाता है तो उसको मोराल बहुत हाई रखना है, उसको हमने ये आश्वासन, एक एश्योरेंस देनी है कि अगर तुझे गोली लग भी गई तो हम तुझे बचा लेंगे। तो हम बचा लेंगे, एब्सोल्युटली। जो हमारे आरएमओ होते थे, जो रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर है, तो वो बिल्कुल साथ होते थे, उनको उनको गैलेंट्री मेडल्स मिले बिल्कुल फॉर बिल्कुल, दिस सर्विस। एब्सोल्युटली। तो वो बहुत ही बढ़िया रोल आरएमओ का। तो वो कहता था कि देख तू फिक्र ना कर, तू जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, गोली लगी तो मैं 5 मिनट में तेरे साथ हूं, सारे इंजेक्शन मेरे पास हैं, सब कुछ है मेरे पास। तो मैंने इस पर भी कहानियां लिखी हैं। और आप तो श्रीनगर में थे, श्रीनगर तो हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में जाना मैं कहता हूँ तीर्थ यात्रा है। श्रीनगर का बीएच हॉस्पिटल नाइनटी और टू श्रीनगर का एग्जैक्ट, मेमोरियल, 15 करोड़ का मेमोरियल जाना, क्योंकि वहां जो पहुंच गया भाई, वहां से फिर नहीं हमारे डॉक्टर जाने देते थे। नहीं, ये तो बीएच मैंने, 92 इज अमेजिंग अमेजिंग। अमेजिंग। और ऐसा ही मैंने लद्दाख में देखा, वो तो हॉस्पिटल, खैर मैं जीओसी था वहां, तो वहां हाई एल्टीट्यूड सिकनेस या किसी भी तरीके से एक बार एमएच पहुंच जाए हमारे पास, फिर जाने नहीं देते थे। इतने यंग डॉक्टर्स, इतने पैशनेट, कोई उनको सोना नहीं, कुछ नहीं चाहिए उनको, बस बहुत अच्छा। हमने डॉक्टर्स के बारे में बात की। एक लास्ट मैं इश्यू आपसे चाहता हूँ विक्रमजीत, आप मुझे बताओ कि ये इंडियन आर्मी का जो यंग ऑफिसर है, मैं तो कहता हूँ यंग सारे, ये लड़ाई 22 से 25 साल के नौजवानों की लड़ाई थी, एंड ऑफिसर लेड लड़ाई थी, क्योंकि देखो चाहे एक आप उनके बारे में क्या कहोगे? आपने उनको देखा अनप्रिपेयर्ड, विदाउट इक्विपमेंट, बट स्टिल दे फॉट। वो क्या चीज थी विच यू रिमेम्बर टिल डेट? विदाउट यू नो नेम तो हमने कई लिए हैं, और भी बहुत लोग हैं। नहीं, मैं एक्चुअली आई वुड नॉट लाइक टू नेम, बिकॉज आई थिंक हमारे में थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि हम तीन चार नाम को लेके उस पर ही घूमे घूमते रहते हाँ हैं, हाँ हाँ बट बिल्कुल, दिस इज अनफेयर ऑन सो मेनी ऑफिसर्स एंड सो मेनी एग्जैक्टली। मेन। और यूनिट्स अगर हम एक विक्रम, दो मुझे, नाम लेते ही, मैं ले में था, मुझे यूनिट्स कहते, सर हमारी यूनिट का नाम ही नहीं लेते हो, हम वहां पे थे जो तुर्तुक बटालिक में थे, तो बहुत सी यूनिट। मैं ये कहूंगा जनरल मोर साहब के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत से बटालियंस थे, बहुत से ऑफिसर्स थे, बहुत से सोल्जर्स थे जिनको भी अवार्ड मिलने चाहिए थे और रिकग्निशन ज्यादा मिलनी चाहिए थी, वो अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं मिली। दैट सेड, विदाउट नेमिंग एनीबडी, मैं ये कहूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो हमारे यंग ऑफिसर्स जवान्स में जज्बा था, जो उनमें पैशन जुनून था। थी, देखिए आप इमेजिन करिए कि आप पर गोलियां ऐसे जा रही हैं जैसे भूंड आपके कानों में घूम रहे हैं, कहते ना हॉर्नेट्स, आप देख रहे हैं मेरे सामने मेरा साथी गिरा पड़ा है, आधा मुंह उड़ा हुआ है, पेट फट के बाहर आ हुआ है, उसको फिर भी आप वो दृश्य देके आप पीछे नहीं हट रहे, आपके कदम गोलियां की तरफ आगे चल रही। ये जो है दुनिया की हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल वॉरफेयर, ऐसी बैटल एट हाई ऑल्टीट्यूड्स कभी नहीं फाइट की गई। कभी नहीं हुई। दिस इज दी सिंगुलर एग्जाम्पल इन द एनल्स ऑफ वॉरफेयर ऑफ करेज एट दोज हाइट्स, अगेंस्ट ऑड्स, अगेंस्ट ऑफ ऑड्स करेज ऑन अगेंस्ट ऑड्स। सच अ फ्रंट लॉन्ग फ्रंटियर इन सच अ सस्टेन्ड मैनर अगेंस्ट अ वेल एंट्रेंच्ड एनिमी हु हैड मेनी मंथ्स टू टैक्टिकली प्लान हिज डिफेंसेस। सो इसके बारे वर्ड्स फेल मी कि हमारे जो जवान्स और ऑफिसर्स ने गोलियां खा खा के हटे नहीं,
अब मनोज पांडे ने क्या कहा जब वो मर रहा था, सॉरी अगेन मैंने नाम तो ले लिया, जब वो बिल्कुल लास्ट उसके थे, उसने अपने गोरखा को कहा छोड़ू ना, गोरखा गोरखाली में छोड़ू ना, छोड़ना ना इन्हें। और आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसकी मां ने बताया, मोहिनी, मोहिनी जी जो हाँ मोहिनी जी पांडे जी, हाँ गुजर गए हैं बेचारे, आई थिंक 2 साल हुए कैंसर थी उनको शायद, तो उन्होंने बताया कि जब जंग शुरू हुआ तो फोन पर बात हुई मनोज के साथ, तो मनोज को भैया कहते हैं यूपी के कल्चर में ना, भैया बेटे को भैया कहते हैं, तो मैंने कहा मनोज भैया आगे ना जाना, जंग में ना जाना, थोड़ा दूर है ना, आप तो अफसर हो, थोड़ा अपना सावधान रखना। तो मनोज कहता है मम्मी अगर हम जा रहे हैं मार्केट और बीच में कोई खतरा आ जाए तो क्या मम्मी आप मुझे आगे कर दोगे और आप पीछे रहोगे? तो कहता मम्मी ये जो गोरखा लड़के हैं जवान हैं ये मेरे बच्चे हैं, जब जंग शुरू होगा तो मैं इनके आगे ही रहूंगा। अब ये एक एग्जाम्पल है जो मैं कहता हूं, आपकी पूरी जो आपने बात कही है ना इसका, ये मैंने एक एनेक्डोट में, एक एग्जाम्पल में, एक मैंने आपको एक बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन दी इसकी। और ये जब मैं गोरखास को फिर मिला 2019 में बटालिक में गनासॉक में गया था, तो 111 के 14 मेंबर एक्सपीडिशन टीम आई थी, उनमें 3 वेटरन थे कारगिल वॉर के, उनको मिला तो मैंने उनको ये बात सुनाई, मैंने बोला है आपको याद है पांडे साहब, आपको ये नहीं पता होगा क्योंकि माँ के साथ उनकी क्या बात हुई आपके बाद, तो वो उनके बहुत मूव हुए इमोशनली ये बात सुन के, कि हमारे एक अफसर को जिसने अपना जान दे दिया उसको हमारा इतना फिक्र था। तो मनोज वही ने मैं कह रहा अपनी हूँ, माँ हाँ को डिसोबे किया। नो एग्जैक्टली। और मैं तो हमेशा जितने ये ऑफिसर्स, मैं तो इस बैटल को पिछले 24 साल से पढ़ रहा हूँ और बहुत लोगों से मिला हूँ। मैं कहता हूँ ऑर्डनरी पीपल डिड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क, दे वर ऑल ऑर्डनरी, दे वर ऑल कुछ एनडीए से नॉर्मल घरों से आए हुए हैं, बहुत ही मतलब साधारण घरों के बच्चे, साधारण एजुकेशन के साथ, साधारण स्कूल या कॉलेज से। लेकिन जब ऐसे मेजर आचार्य की बात करो, उनकी चिट्ठियां तो प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में पढ़ी। उनकी बेटी मेरे टच में रहती है, उसको मैंने होस्ट किया वो जब 20 ईयर्स था वहां पे, और मैंने उनकी उनकी एक एक लेटर पढ़ी है मेजर आचार्य की। तो कितने ही आप नाम लो, कितने ही ऑफिसर्स का, जवानों का कम होगा। लास्ट में मैं ये एक चीज आपसे, और वी विल एंड हियर, चाहे तो हम सारा दिन बात कर सकते हैं, वो ये है लोकल लोगों का सपोर्ट। मैं हमेशा कहता हूं फौज तभी तक है जब तक लोकल लोग हमारे साथ है ना। ये चीज हर लड़ाई में, 71 में भी ढाका में, अगर लोकल लोग हमारे साथ नहीं होते तो बात कुछ और होती। तो जहां भी लोकल लोग, यहाँ पे आप मुझे बताइए कि कारगिल द्रास तुरतुक बटालिक में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, लोकल लोगों ने फौज की कैसे मदद की। ये आपका सवाल फिर बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि देखिए हम जो आम लोग हैं वो तो सोचते हैं कि जब जंग लड़ते हैं तो हमारे सिपाही गए फायर किया, तोपे ने फायर किया, हवाई जहाज ने ऊपर जाके बम फेंक दिया और जंग होगी खत्म, हमने जय जयकार होगी ना। लेकिन फौज को जब पूछोगे तो कहते वो आपको बोलेंगे जंग ऐसी नहीं लड़ी जाती, जंग तब लड़ी जाती है जब हमारी पूरी सप्लाई चेन बनती है, जब हमारा खाना टाइम पर आता है कि हम पेट भर के हम आगे चढ़ सकते हैं। खाना कैसे आएगा आगे, हमारे जो हम जब फायर मार रहे हैं एक ही घंटे में कितनी हजारों गोलियां उड़ा दी हमने, एमएमजी चला के, राइफल चला के, राउंड हमारे खत्म हो गए, हमारे और चाहिए। अब 18,000 फुट पर भगवान तो नहीं फेंकेगा ना ऊपर से, किसी को लेके आने पड़ेंगे। तब आती है लोकल सपोर्ट। सबसे पहले लोकल सपोर्ट कारगिल युद्ध में इस पॉइंट पर आती थी कि हमें यह नहीं पता था कि इतनी ऊंची पहाड़ियों में रास्ते कहां हैं, मैप तो थे नहीं, देयर वर नो डिटेल्ड मैप्स। तो पाकिस्तानी वहां थारू के उस साइड बैठे हैं, अब पहुंचे कैसे, तो उसके लिए लोकल चाहिए गाइड्स। गाइड। तो पहला फर्स्ट
लोकल गाइड चाहिए हमें रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता था रास्ते। पलटन न्यू आ रही है, बिल्कुल नवी पलटन आई है जो युद्ध में, उसको क्या पता ये कान एक्लेमेटाइजेशन तक नहीं हुई, तो रास्ते तो बाद में बाद की बात है। तो पहले हमें लोकल बंदों ने रास्ते बताए, क्योंकि वो घूमते रहते थे वहां, कोई शिकार खेलता था, किसी को भेड़ बकरी लेके जाता था, कोई याक लेके जाता था, कोई कुछ करता था। सो वन, सेकेंडली जब हमने सप्लाई पहुंचानी है अपनी अपने सोल्जर्स को, तो हमें चाहिए पोर्टर, तो वो फिर लोकल लोग, क्योंकि वो उस एरिया के हैं, हाई ऑल्टीट्यूड के एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी बॉडीज कस्टम्ड है टू हाई ऑल्टीट्यूड, उनकी ब्रीदिंग कैसे है, उनकी लंग्स कैसी है, सारी कस्टम है। तो वो हमारे को, हमारे जो 50 60 किलो 70 किलो भार लेके, वो 18,000 फुट 17,000 फुट मोटर शेल एमिनेशन खाना लेके पहुंचते थे। फिर ये लोकल लोगों के पास ये लोकल खच्चर होते थे, डोंकीज, जो हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत अच्छे हैं, छोटे बड़े मुश्किल रास्तों में, जहां खाई के ऊपर चलना है आपने, गोले गिर रहे हैं, मरे नहीं हमारे खच्चर वहां, लोकल लोगों के, वो सामान लेद लाद के हमारे आर्मी के लिए लोकल लोग उनको लेके पहुंचते थे। और लोकल डोंकी जो थे उनको नुनूस कहते हैं, ईस्टर्न लद्दाख में नुनूस, तो नमस्कार वो क्या थे, वो हमारे आर्मी के जो म्यूल्स हैं, जो म्यूल्स रेगुलेशन म्यूल्स, उनसे बेटर थे, क्योंकि उनसे बेटर थे। वो अगर आप उन पर अनइवन लोड डालो, एक साइड पर ज्यादा एक साइड पर घट, वो उनको फर्क नहीं पड़ता था, उनकी मेंटेनेंस घट थी इनकी, लोकल डोंकीज की, उनको कोई हैंडलर कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए था। और जब गोले गिरते थे, जब गोले गिरते थे तो लोकल डोंकी फायर को अच्छा टेक करता था, घबराता नहीं था, म्यूल घबराता घबरा के गिर भी जाते थे खाई में, और इसमें भी बहुत कहानियां मैंने लिखी हैं इसके बारे में। तो क्या हुआ, जब वॉर शुरू हुई तो बटालिक सेक्टर में फॉर एग्जाम्पल लद्दाखी लोग पूरा का पूरा गांव ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर पहुंच गया दा में, और कमांडर साहब को कहा कि सर हम आपकी सेवा में हैं, हम अपना खाना पीना सब लेके आए हैं। हम आपका खाना पीना सब लेके आए हैं, आप हमें ऑर्डर दो, हम आपके फाइटिंग पोर्टर बन के जाएंगे विदाउट चार्जिंग यू एनी मनी। वेरी गुड तो वो फाइटिंग पोर्टर बने, और मैं पता कौन कौन थे, बैंक मैनेजर, टीचर्स, कैन यू इमेजिन। नहीं, मैं तो खुद ऐसे लोगों से मिला हूं जब लद्दाख में था, जो कहते थे कि हम इतना रोटियां इनका, बना के भेजते थे। इतना इनका रोल रहा जंग में। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के लोग, अगेन वही सीमाओं पे जितने लोग हैं, चाहे वो चाइनीज बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, उनका मजहब कोई भी हो, लेकिन देश के लिए जो है सबका दिल धड़कता है, और उनके बिना भी ये लड़ाई में कामयाबी हो नहीं सकती थी। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट दिस इज बीन वन ऑफ द मोस्ट एनग्रॉसिंग, और आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। एक स्ट्रेटेजिक लेवल से लेके आप जो है बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक इस बात को लेके आए, आपने पूरा समझा इस पूरी चीज को एक जर्नलिस्ट की नजरों से। आप खुद बहुत दिलेर वॉर करस्पॉन्डेंट रहे हैं और बड़ी कहानियां उसी लिखी हैं, और मैं चाहता हूं आप एक बुक भी लिखें जो है इन फ्यूचर ऑन योर एक्सपीरियंसेस इन कारगिल। काफी किताबें लिखी गई हैं, एंड हैट्स ऑफ टू इंडियन जर्नलिस्ट पीपल लाइक यू हु ब्रॉट दिस स्टोरीज होम। जिस प्रकार से आपने दुर्ग नारायण श्रेष्ठ की बात करी और सूबेदार करण सिंह की बात की और सारी यूनिटों की बात की, विक्रमजीत सिंह थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रियली थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर, एंड आई थिंक द ब्यूटी ले दैट यू वर एबल टू ड्रॉ आउट दीज नुएंसेस जो विच आई डोंट सी इन यू नो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इंटरव्यूज, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता। से उनका जो मुझे आइडिया नहीं। इंटरव्यू करते हैं तो टीवी पर उनको आइडिया ही नहीं आता, यू नो यू सी यू, आपने एक्चुअल जंग देखे हैं, फायर जब चलता है तो आदमी की क्या साइकोलॉजी होती है, यू नो इट। सो इससे ये हुआ कि हमारी इंटरेक्शन में इट हैज बीन समथिंग विच हैज
आई होप दी आपकी तो बहुत बड़ी ऑडियंस है और स्पेशली यंग लोग आपकी ऑडियंस में है, तो माई अपील टू देम विल बी कि आप पत्रकार बनिए और देश की सेवा करने के लिए, अगर आप पत्रकार बनेंगे बहुत बढ़िया मौका है देश की सेवा करने के लिए, ऐसा मौका जंग में जाके फौज के साथ और उनकी कहानियां पूरे देश को सुनाने, ये किसको मिलेगा ये अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली, सो थैंक यू वेरी मच विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। Thank you.